सुभाष जी, आपका और आपके दर्शकों का हमारे इस पुराने आश्रम में हाथ जोड़कर स्वागत है। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आप फरमाइए। आज एक्चुअली इस वीडियो का पर्पस है, आपके पास कुछ घोड़े हैं और जो कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो मुझे मौका मिला आज यहाँ आने का, तो कृपया मार्गदर्शन करिए घोड़ों के बारे में, इनकी औषधि या फिर क्या आपका एक्सपीरियंस है आज तक का, और भी जो जितने भी घोड़े रखते हैं लोग हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, उनको कुछ सलाह दीजिए, टिप्स दीजिए, और सबसे पहले तो आप इस जगह के बारे में बताइए जहाँ पे आज हम हैं, और फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ऐसा है, ये हमारा आश्रम जो है महाराज नेकीराम, जो कि इस क्षेत्र के अति दुस्साध्य तपस्या के शूरवीर, जो कि शांभवी मुद्रा कह लो, ब्रह्म विद्या कह लो, बंकनाल कह लो, उदासीन अवस्था कह लो, उसके सबसे दुर्दांत योद्धा थे। उन्होंने इस आश्रम की स्थापना 1882 में की थी और उनकी फॉलोइंग ये मान लीजिए कि मुरादाबाद से लेके अबोर फाजिल्का का इलाका और राजस्थान से लेके राजस्थान में फतेहपुर शेखावाटी के इलाके से, यानी सीकर के इलाके से लेके आप हरियाणा और पंजाब में आप ज़िला होशियारपुर तक महाराज नेकीराम के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, और हर महीने वे इस आश्रम में भंडारे में इकट्ठे होते हैं। जो प्राचीन काल की संतों की वाणी है, उसी वाणी के अंतर्गत के जो गाने के शब्द हैं साधु संतों के, सदुकड़ी बोली के, साधुओं की बोली एक अलग बोली होती है, उसके विद्वान भी अलग होते हैं, उसकी शब्दावली टर्म्स अलग होती हैं, उसके शब्द यहाँ बोले जाते हैं, जो कि ब्रह्म विद्या, शांभवी मुद्रा, बंकनाड़ कह लो या उदासीन अवस्था कह दो, उसकी तरफ प्रेरित करने के और जीवित अवस्था में ईश्वर प्राप्ति का मार्गदर्शन करने के यहाँ पे शब्दवाणी होती है, भंडारा होता है, और फिर उसके बाद चुपचाप सब अपने घरों को चले जाते हैं। महीने में एक दिन ये एक्टिविटी होती है और लोग अपने भंडारे यहाँ पे बुक करवाते हैं। 2035 तक के सारे पूर्णमासियों के भंडारे, 2035 की बुकिंग कंप्लीट हो गई है, 36 की बुकिंग ऑन है। जो भी यहाँ भोजन होता है वो या अपने खेत का होगा, सब्जी में फ्राई करने के लिए जो तेल है वो हमारे खेत की सरसों का होगा, जलेबी लड्डुओं के लिए जो घी है वो आश्रम में ही पाली हुई गायों के घी का होगा, भैंसों का, गायों का। तो ये आश्रम जो है ये 1882 से ये उसी प्रकार से चल रहा है, जो परंपराएं, जो तरीके, जो आरती पूजा जो 1882 से चल रही थी वही आज भी कायम है। और मैं इस गद्दी का, महाराज नेकीराम तो संस्थापक थे इस आश्रम के, उनके बाद जो है उनका देहावसान हुआ था 1912 में, और 1912 में मात्र 14 साल की उम्र में महाराज दिलीप साहब, जो कि मेरे परदादा थे, महाराज नेकीराम में गोद लिए हुए थे, उनको मात्र 14 साल की उम्र में यहाँ की गद्दी पर बिठाया गया था। उनका कार्यकाल चला 1944 तक। 1944 में मेरे दादा जो थे वो गद्दी पर बैठे थे, मंत समंदर दास जी, हमारी गद्दी के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और विलक्षण व्यक्ति महाराज समंदर दास थे, क्योंकि 1944 में वे गद्दी पर बैठे थे, 1943 में वो ब्रिटिश कैवलरी में कैप्टन थे, जबकि ब्रिटिश कैवलरी में या आर्मी में सूबेदार मेजर से ऊपर कोई जाने, इंडियन आर्मी को नहीं जाने देते थे। तो मेरे दादा 1943 में ब्रिटिश कैवलरी में कैप्टन कैसे हो गए? असल में महाराज समंदर साहब के फूफा जी अंग्रेजों के राज में OBE और OBI खिताब से नवाजे गए थे। वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की जितनी भी भारतीय लोगों की
अंग्रेजी सेना में जो भर्ती हुई थी वो कप्तान मायाराम के थ्रू हुई थी, महाराज समंदर साहब के फूफा के द्वारा। और एक भी जवान हमारा जो भी विदेशों में अंग्रेजों के की सेना के अधीन हो गए, जो वहाँ बर्मा में, जर्मनी में, अफ्रीका में, जहाँ भी फ्रंट था, हमारा एक भी सिपाही पीठ दिखा के वापस नहीं भागा। और ऐसी सेवा, इतने बढ़िया जवान जो कप्तान मायाराम ने भर्ती किए थे, उससे खुश होके ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको पहले OBI का खिताब दिया था, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फिर ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया था कप्तान मायाराम को। कप्तान मायाराम नॉर्मल आदमी नहीं थे, उन्होंने अपने टाइम में ढाल तलवारों की लड़ाई भी लड़ी थी। और वो जो परिवार है, गांव गोची है डिस्ट्रिक्ट रोहतक में, हमारा ये गांव डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में है, दिल्ली बॉर्डर पे है, जस्ट ऑन दिल्ली बॉर्डर। और महाराज समंदर साहब के मेरे दादा के फूफा गोची गांव के थे, वो भी कैप्टन थे। OBI का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया जिस आदमी के पास मेडल होगा, यहाँ लगा हुआ होगा विद टैसल्स एंड ऑल, आर्मी यूनिफॉर्म, ब्रीचेस, नी बूट्स, एवरीथिंग। बहुत लंबे चौड़े लाल सुर्ख आदमी थे, बड़ी मूछें थी, मेरे पास उनकी फ़ोटो नहीं है, वरना इस वीडियो में मैं फ़ोटो डलवाता हूँ उनकी। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया जिसके पास खिताब है, वो भारत में किसी कमिश्नर के अंडर नहीं रहेगा। अगर वो OBI का मेडल लगा के कमिश्नर ऑफिस में चला गया तो अंग्रेज कमिश्नर सलूट ठोकेगा कुर्सी छोड़ के, और उसके ऑर्डर को मानना पड़ेगा, उसकी हुक्मदुली नहीं हो सकती। ये OBI की पावर थी आज़ादी से पहले, 1947 से पहले ये OBI की पावर थी। और OBE भी उनके पास था। OBE का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जहाँ तक इंग्लैंड का राज है वहाँ तक OBE का तमगा लगा के यदि कप्तान मायाराम पहुँचते तो उनको वहाँ भी सलूट ठोकती और उनकी वहाँ भी वही पावर बनती। ये पावर अगर नेटफ्लिक्स सीरियल में देख रहे हैं तो पीकी ब्लाइंडर्स में देखिए, एक विलेन टाइप का हीरो राजा को मतलब डरा के, ब्लैकमेल करके, और फिर वो OBI का खिताब लेता है। मुझे थोड़ा खांसी जुकाम है, खांसी के लिए थोड़ा क्षमा करें, थोड़ा गला बैठा हुआ है। OBE की पावर देखनी है तो पीकी ब्लाइंडर्स में देखिए, आपको दिखाई देगी। पीकी ब्लाइंडर्स का मैं स्पेलिंग कर रहा हूँ, PEAKY स्पेस BLINDERS। ये आप देखिए, पूरा मजा आएगा उसमें, लास्ट में आपको पता चलेगा OBE की पावर क्या होती है। तो OBI और OBE कप्तान मायाराम की सिफारिश से महाराज समंदर साहब को एक रॉयल कैवेलरी थी, जिसमें भारत के सभी राजा रजवाड़ों के और नवाबों के, नवाबजादे और शहजादे और राजकुमार सारे के सारे उस कैवेलरी में थे, जो कि जैसे टेरिटोरियल आर्मी है, 3 महीना ड्यूटी देगी बाकी महीना घर रहेगी, वैसी वो थी, 3 महीना ड्यूटी दो बाकी अपने घर में ऐश करो। उस कैवेलरी के महाराज समंदर साहब कैप्टन थे 1943 में। 44 में जब उनके पिता महाराज दिलीप साहब का शरीर पूरा हुआ, उस समय वे ऑन ड्यूटी थे और बकायदा इस्तीफा दे के आए थे, और तब उनको गद्दी नशीन किया गया था, मंथ की गद्दी पर बिठाया था। उनका कार्यकाल उस टाइम में मात्र 22 साल के थे। उनका कार्यकाल था 1944 से 1984 तक। 1984 में जैसे मुझे खांसी हो रही है ना, इस तरह से उनकी खांसी बिगड़ी थी और उनको परमानेंट दमे की बीमारी हो गई थी, तो दमे के कारण उनका शरीर पूरा हुआ था और वो राष्ट्रपति के डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे पिछले 20 साल से, और दमा उनका राष्ट्रपति का डॉक्टर कवर नहीं कर पाया था। इसलिए मुझे एलोपैथिक में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। मैं आपको बताऊं, महाराज समंदर साहब की बीमारी को देख के मैं आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हुआ था। मैं अपनी गद्दी का तीसरा महंत हूँ, और महाराज समंदर साहब उर्दू में बीए थे, अंग्रेजी में बीए थे और हिंदी में प्रभाकर थे, आर्मी में कैप्टन थे,
और बाद में इस गद्दी के महंत हुए और हमारा गांव जो है इसके कई सौ आदमी अंग्रेजों की लड़ाई में शहीद हुए थे अंग्रेजों के प्रति वफादार होके। और अंग्रेजों ने इस गांव में, हमारा ये गांव है नारी नारी विलेज डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, दिल्ली का लामपुर बॉर्डर है हमारा, इस गांव के कई सौ आदमी शहीद हुए थे। तो अंग्रेजों ने खुश होकर, वफादारी से खुश होकर, अंग्रेजों ने हमारे गांव में दसवीं तक का स्कूल बनाया था। आसपास के बीसियों गांव के जो आज के समय 80 से 100 साल तक के व्यक्ति कोई जीवित है तो वो हमारे गांव के स्कूल में जरूर पढ़ा हुआ है। और 1980 तक ऐसा माहौल था कि यदि कोई दसवीं क्लास पास कर लेता था तो लोग ये मानते थे भाई छोरे ने दसवीं कर ली, इसका ब्याह करवा दो, नौकरी लग गना ली है। दसवीं पास करते ही गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी साहब। और इस स्कूल के सोच लीजिए गवर्नमेंट जॉब में कितने होंगे, और ये समझ लीजिए आर्मी का ये आश्रम मान लो इसे, क्योंकि महाराज समंदर साहब के जो भगवान वेशधारी जो साधु थे वे ज्यादातर एक्स आर्मी मैन थे। डिसिप्लिन लाइफ उनकी रही थी, घरों में उनको मजा नहीं आया तो वे महात्मा बन गए। तो उनके पास बहुत स्किल्स थी आर्मी की, जैसे राइफल की, हॉर्स राइडिंग की। महाराज समंदर साहब तो खुद ही हॉर्स राइडर्स के कैप्टन थे, वो भी रॉयल कैवलरी के। वो स्पेशल घुड़सवार दस्ता था जिसमें सारे राजकुमार थे, और महाराज समंदर साहब अपने टाइम के इंडिया के बेस्ट राइडर थे। तो वहाँ मैंने अपने दादा को हॉर्स राइडिंग करते देखा तो मुझे भी बचपने में हॉर्सेस का शौक हो गया। फिर मेरे दादा तकलीफ में, जैसे शरीर पूरा हुआ तो हमारा आश्रम चरमरा गया है। जिस तरह से मान लीजिए एक बिल्डिंग की जो लोड बेयरिंग अगर कोई पिलर है वो टूट जाए तो सारी बिल्डिंग धरा से ही हो जाती है, तो वो हाल हमारे आश्रम का हो गया था। हमारा आश्रम कर्जे में चला गया था, और जिस समय महाराज का शरीर पूरा हुआ उस समय आश्रम में कोई घोड़ा नहीं था। घोड़े असल में जो इस आश्रम के संस्थापक हुए हैं महाराज नेकीराम के समय से यहाँ घोड़े रहते आए हैं। तो हम इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं कि भाई यदि घोड़ा नहीं होगा तो हमारे आश्रम में समृद्धि नहीं रहेगी। हम घोड़े को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, और यहाँ पर घोड़े जो हैं वो डोनेट होते हैं, दान होते हैं। मेरे पास इस समय चार घोड़े हैं जिसमें कि दो थोरोब्रेड घोड़ियाँ हैं जो कि ठाकुर रवि चौहान ने, गोठड़े वालों ने, उनके पास 18 करोड़ का रेस हॉर्स है स्टैलियन, उन्होंने हमें डोनेट की हुई है। दो बच्चे हैं, एक काठियावाड़ी बच्चा है प्योर ताजन नस्ल का, मैंने उसको पोरबंदर से मंगवाया हुआ है। एक हमारे पास नुकरा बच्चा है 8-9 महीने का, काठियावाड़ी है 2.5 साल का, और नुकरा बच्चा जो है वो 8-9 महीने का है, वो रोली वाले की लाइन का है, पंजाब में रोली वाले की लाइन का। ये चार घोड़े हैं, और हम अपने घोड़ों को एलोपैथिक दवाई नेग्लिजिबल देते हैं, क्योंकि घोड़ों को भी जैसे मुझे खांसी खुर्रा हो रहा है इस तरह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। तो मैं घोड़ों को जो आयुर्वेद के जो ज़बरदस्त रस रसायन के योग हैं मैं वे देता हूँ। और जो ये दो मेरे पास घोड़ियाँ हैं ये बूढ़ी घोड़ियाँ हैं, और इन घोड़ियों पर मैं दवा का अनुसंधान कर रहा हूँ। रसायन औषधि वे होती हैं जो कि मनुष्य को बूढ़ा होने से रोक दे, और बूढ़ा हो भी गया है तो उसके उसको बुढ़ापे से वापस लिया है। और रसायन औषधि मनुष्य की आयु बढ़ाती है। फर्ज कीजिए किसी ने मरना है 65 पे, अगर वो रसायन लगातार लेगा तो आराम से 100 पे चला जाएगा। रसायन औषधि जो कामयाब कमाने वाले बूढ़े हैं, मनुष्य बूढ़े हो जाते हैं और वो कमाने का उनमें जज्बा होता है और वो कोई स्पेशल स्किल्स होती हैं जिनकी, तो उनको जिंदा रखने में फायदा है। तो ये घोड़ियों को हम रसायन औषधि दे रहे हैं। अब वीडियो में वो आगे ऐड की जाएंगे कि आप दांत देखेंगे तो 15 साल से ऊपर की नजर आएगी, बॉडी और चाल देखेंगे तो 5-6 साल की नजर आएगी। और घोड़ों को हमने ला रखा है जो मेल हॉर्सेज हैं, ये दो बच्चे जो हैं ये जब जवान हो जाएंगे तो इनको हम वाजी कारक औषधि देंगे। तो आयुर्वेद के दो स्तंभ
मेरे काबू में। आयुर्वेद के वैसे 8 स्तंभ होते हैं जिनमें से 2 का मैं मास्टर हूँ। आयुर्वेद में जो वाजीकरण का अध्याय है, हमारे भारतीय व्यक्ति इस चीज को समझ नहीं पाते। भारतीय व्यक्ति ये सोचते हैं कि वाजीकारक औषधि जो है वो सेक्सुअल पोटेंसी को बढ़ाने की दवाई है। ऐसा कुछ नहीं है। वाजीकारक औषधि ढाल तलवारों के युद्ध में आदमी को अग्रसर करने की औषधि है। यदि आदमी का कॉन्फिडेंस और आक्रामकता इतनी हो तो वाजीकारक औषधि फिर रात को भी पूरा ही काम करेगी। तो जिसका हमने वाजीकरण कर दिया उस आदमी का के घर में पुत्र और पैसा दो चीज तो अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत डॉक्टर इंजीनियर बनाए, अब मैं नई वैरायटी क्रिएट कर रहा हूँ 30 साल से। अब हम फॉरेन एक्सचेंज के ट्रेडर्स भी क्रिएट कर रहे हैं, हम हर प्रकार के प्रोफेशनल्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के ट्रेडर में जाएंगे तो उसको 15-16 घंटे स्क्रीन पर बैठना पड़ेगा। वाजीकरण कर दिया और साथ में उसको तपस्या के गूढ़ रहस्य बता दिए तो बाय इंस्टिंक्ट वो ये जान जाएगा कि अब ग्राफ ऊपर जाने वाला है या अब ग्राफ नीचे जाने वाला है, मैं अब पैसे लगाऊं या लगे हुए पैसे को वापस निकालूं। वाजीकरण किए हुए डॉक्टर और इंजीनियर दिनों रात सांस नहीं लेते, उनको थकावट का पता नहीं चलता। एक वाजीकरण करवा के मैंने एक सुपर स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजी में सुपर स्पेशलिस्ट लड़का तैयार कर रखा है। MBBS MD तो है, सुपर स्पेशलिस्ट भी है। सुपर स्पेशलिस्ट मेरे पास है, यकीन ना हो तो मैं उसका फोन नंबर भी दे दूंगा, पूछ लेना। वाजीकरण के द्वारा तो हमने इंग्लैंड में सरकारी डॉक्टर है इंडियन, उनका बच्चा मैंने औषधि से पैदा करवाया था, वो लड़का 15-16 साल का हो चुका है। वाजीकरण एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वाजीकरण करने वाला जिसका वाजीकरण हो गया, अगर वो कोई प्रोफेशनल है, उसके अंदर एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो दिन और रात काम कर सकता है बिना रुके, बिना रेस्ट लिए। सिर्फ उसको खाना बढ़िया दे दो, इतने में उसमें आग भर जाएगी और वो आग रुकेगी नहीं। जितना दबाव डालोगे वो पागल होने की बजाय और बढ़िया काम कर देगा। और किसी कंपनी ने मेरे चेले पे अगर दबाव दे दिया तो उसका काम सोना उगलने लगता है और कंपनी को ये धोखा लग जाता है कि हम नए लड़के को हम इसी तरह से दबा सकते हैं। मेरा चेला उस काम को छोड़ के भाग जाए तो दूसरे इंजीनियर पे अगर वो वही दबाव पैदा करेंगे, वो इंजीनियर टूट जाएगा, वो इस्तीफा देकर भाग जाएगा। लोग वाजीकरण को पता नहीं क्या समझते हैं। हमने वाजीकरण से पैसे कमाए हैं और वो भी मेहनत करके, थोड़ी मेहनत नहीं होती, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कॉरपोरेट के अंदर आज कितनी मेहनत करनी पड़ती है सबको पता है। मैं इस तरीके के प्रोफेशनल्स क्रिएट करता हूँ। और कोई भी दवाई हमने, मेरे पास बहुत प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं आयुर्वेद के, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ अश्वशास्त्र ही दिखाऊंगा मैं आपको, घोड़ों की किताब। क्योंकि मुझे लगता है मैंने अभी तक, मैं अब 57 साल का हो गया हूं, मैंने अभी तक कोई वैद्य ऐसा नहीं देखा है जिसने वाजी पे अर्थात घोड़े पे, वाजी का नाम ही घोड़ा है, घोड़ा वाजी, ये संस्कृत का शब्द है वाजी, घोड़े पे ही वाजीकरण की औषधि पे रखी, घोड़े को हाइपर एनर्जेटिक बना के और फिर उस पर सवारी करना। ये मैं 30-35 साल पहले करता था, अब तो मुझे 30 साल हो गए घोड़े पे बैठे हुए। मैं घोड़े की सवारी में अब मेरा मन नहीं करता, मैं सिर्फ उनका रख रखाव, उनकी हेल्थ। कभी कभार अनुयायियों के बच्चे आ जाते हैं या मेरा लड़का आ जाता है, वे घुड़सवारी कर लेते हैं, नहीं तो अब कुछ राइडर्स हैं वो करते हैं यहाँ के। मेरा अपना कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ घोड़े के वेलबींग का मास्टर हूँ कि अगर घोड़े को कोई तकलीफ होगी, जैसे कि मेरी जो सबसे सीनियर घोड़ी है इस टाइम पे, वो खाली घूम रही थी, मोटी हो गई थी ज़्यादा। हमारा राइडर बोला जी 6 क्विंटल की घोड़ी हो गई है, इसको पतला करना पड़ेगा। मैंने ये कर लो भाई, तो उसको फिर खींचना शुरू कर दिया, ज़्यादा खींच दी बेचारी, वो कमज़ोर हो गई और बूढ़ी तो वो हो ही रही थी, तो पिछले पैर घसीट के चलने लगी रोड के ऊपर, पिछले पैर घसीटने लगे। बोले जी इसको किसी को दे दो, ये तो बेकार हो गई है। मैंने कि भाई क्या हो गया? बोले पिछले पैर घसीट रही है। मैंने कि पैर तो मैं उठवा दूंगा इसके, आप वीडियो देख लेना उसका, दुल की चाल के ऊपर वेंडशील्ड ट्रॉट,
यू कैन सी द कॉन्फिडेंस एंड द स्पीड एंड द एक्सप्रेशन ऑन द हॉर्सेज फेस। आपको घोड़े के मुंह से और घोड़े की चाल से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बुढ़ापा फील कर रही है। आप देखना है, देखने की चीज है साहब। वाजी करम मैंने घोड़े पे ही किया हुआ है और उस घोड़ी को तो हमने रसायन दिया हुआ है जिससे वो बुढ़ी ना हो। लोग ये सवाल करेंगे कि वो कौन सी वाजी कारक औषधि है या कौन सा वो रासायनिक औषधि है। मैं कहूंगा भाई कोई एक ना तो दवाई है, ये तो दवा का औषधियों का समूह है। वो तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, जितना ज्यादा तजुर्बेकार वैद्य होगा वो उसी हिसाब से औषधियों के कम्बिनेशन क्रिएट करेगा। आर्मी के लोग 15 साल के घोड़े को मार ही देते हैं, लेकिन हमारा एक राइडर है भरतपुर में, भरतपुर के पंडित जी हैं लेखराज, लेखराज साहब कहते हैं मैंने पूछी घोड़े की उम्र कितनी मानते हैं आप, तो लेखराज ने कही खवा दे धूप लगे ना चौड़ा, चौड़ा का मतलब बीमारी, खवा दे धूप लगे ना चौड़ा 80 साल चढ़ा दे घोड़ा। तो आदमी इतनी उम्र है इसकी तो दिक्कत क्या आती है, घोड़ा जब बूढ़ा होता है तो मरता क्यों है। मौत का कारण ये होता है घोड़े के दांत ढीले हो जाते हैं, आगे के दांत जो हैं अगर घोड़े के गिर जाते हैं तो घोड़े की मशीन जो है मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम दांतों से जो शुरू हो रहा है, पहले दांत से वो घास को उखाड़ेगा, फिर जीभ से पीछे को खींचेगा, दबाएगा पीछे को खींचेगा, फिर उसकी जो जाड़ है जाड़ों में चबा के फिर उसको थूक में सान के निकलेगा। आगे के दांत अगर घोड़े के टूट जाते हैं तो मसूड़े उसके बेचारे के लहू लुहान हो जाते हैं और वो खाने से रह जाता है, उसके बाद वो भूखा मर जाता है। तो मेरे उस्ताद होते थे, मेरे बिरादरी से खटीक थे साहब सिंह, मेरे दादा के शिष्य थे, मेरे नाना के फ्रेंड थे, मेरे माँ बाप के रिश्ते से पहले ही मेरी फैमिली को और मेरे नाना की फैमिली को अच्छी तरह जानते थे, तो वो मेरे घोड़े के उस्ताद थे। अब उनसे मैंने काम सीखा था, उनके भाई टीकाराम की दिल्ली सीलमपुर पुश्ते के ऊपर उनकी अब भी 20-50 घोड़ियां खड़ी हैं सफेद कलर की, और वो तकरीबन 30-35 साल से सफेद घोड़ियों का नुकरे सब्जे इस टाइप के घोड़ा घोड़ी वे शुरू से रख रहे हैं। साहब सिंह जो हैं वो उसके छोटे या बड़े भाई थे, उनकी बच्चों से बनती नहीं थी तो आश्रम में रहते थे वे, तो मेरी जिज्ञासा थी तो घोड़ों के बारे में मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू की, तो मैं सुनकर हैरान होने लगा कि घोड़ों की जो औषधि है हमारे घुड़बाज घुड़सवार प्राचीन काल से आयुर्वेदिक औषधियों को, घोड़ों की अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने में आयुर्वेदिक औषधि इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। उससे पहले तो मैं कोई अच्छा वैद्य भी नहीं था, तो उस्ताद के साथ जाके मैंने सबसे पहला घोड़ा स्टैलियन काठियावाड़ी खरीदा था, वो कुमैत पंचकल्याण था, माथे पे पटा था खुला हुआ, चारों पैर जो थे अगले पैर मुट्ठे से नीचे सफेद थे, पिछले पैर पिछले घुटने और मुट्ठे के बीच में आधे तक सफेद थे, काली पूंछ काली कनवाल और जो सफेद कलर नीचे था उस पर ब्लैक कलर काले कलर के घुटने, गर्दन कनवाल के बाल काले, और बहुत जोर से वो हिनसता था, उसकी हिनस ही बेचारे की 1 किलोमीटर जाते थे, कभी बीमार नहीं हुआ। जब मैंने मेरा कार्यभार ज्यादा हो गया, यात्राएं ज्यादा होने लगी तो मैंने आश्रम में रहना बंद किया, उस समय मुझे घोड़ा बेचना पड़ा, मुझे दुख है, मुझे वो घोड़ा आज भी याद आता है। घोड़े वो कभी भी हमने बीमार नहीं देखा, हमने काठियावाड़ी इज द टफेस्ट, हमने सूखा गेहूं का भूसा तोड़ा घोड़े को खिलाया, इतना तो फर्क पड़ता था कि बेचारे के ताड़वे में तोड़ा चुभ जाता था, ताड़वा सूझ जाता था, मतलब जो ताड़वा हमारा ये दांत है पीछे ताड़वा इतना ऊंचा है वो सूझ के दांत के लेवल के बराबर आ जाता था भूसा खाने से। तो उस्ताद जी नौसादर को तोड़ के उसकी सर्जरी करते थे, जो सूजा हुआ तालवा है उसको छील के उतार देते हैं नौसादर से और फिर उसमें फटकड़ी रगड़ देते थे, तो घोड़ा तुरंत ही चरने लग जाता था, बोले अब ये चर नहीं रहा, इनका तालवा उठ गया। मैं घोड़ों के बहुत वीडियो देखता हूँ,
तालवा उठता हुआ हमने कभी सुना ही नहीं। घोड़ा भूखा है, तालवा उठ गया है, भूसा खा रहा है। तो मेरे उस्ताद ने मुझे जैसे इनिशिएट किया, स्टार्ट किया घोड़ों पे, तो वहां से मुझे स्टैलियन का शौक लगा। उसके पास खड़े रहने से हमें बहुत सारी दवाइयों का पता चला। मैं हर टाइम स्टैलियन के पास खड़ा रहता था, स्टैलियन पेशाब करता था, मेरे कपड़ों पर गिरता था, मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। मुझे सिर्फ एक ही ब्रीड पसंद है इंडिया की, लोगों को पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। मैं काठियावाड़ी पसंद करता हूँ। और जैसे ही मेरा मौका लगा, मैंने अपने चेले को बोला कि भाई काठियावाड़ी डोनेट करा दे। तो अभी पिछले साल ही हमने फोन पर जान पहचान बनाई। एक हमारे मेरे शिष्य का प्रोफेसर गुजराती, नाम है श्री हितेश, उनको मैंने बोला कि मुझे कोई नंबर दो गुजरात का, हमने घोड़ा खरीदना है। तो उन्होंने श्री सचिन पटेल का नंबर दे दिया। वो गुजरात में काठियावाड़ी हॉर्स शो के मतलब जज होते हैं वे वहाँ, और वैसे उनका बिजनेस जो है वो इंपोर्ट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन घोड़ों का बिजनेस नहीं है, वो घोड़ों की नस्ल के माहिर हैं। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि मैं आपको घोड़ा दिलवाना चाहूँगा बच्चा, क्योंकि काठियावाड़ के अंदर शादियों में घोड़ों को दो पैरों पर नचाया जाता है, और वो भी उसके ऊपर चढ़ के, और फिर उछाला जाता है, घोड़ों के गट्टे टूट जाते हैं। बोले बड़ा घोड़ा लोगे तो उसके गट्टे टूटे हुए होंगे, इसलिए आप बच्चा लीजिए। तो हमने एक साल का बच्चा खरीदा था, उसकी वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी का रिकॉर्ड भी दिया उन्होंने। तो ये जो अब ये नुकरा वाले जो ज़्यादा बोलते हैं ना, ये मारवाड़ी वाले, पंजाब वाले, फलानी लाइन, एक बार काठियावाड़ी वालों की वंशावली देख लो, लाइन के तोते उड़ जाएंगे। ये तो लाइन ही इनकी 20-30 साल पुरानी है, लेकिन उनका तो कई सौ साल का रिकॉर्ड है भाई। और काठियावाड़ी स्वामी भक्त सबसे ज्यादा होता है। देखिए वो हाइट उसकी ज्यादा नहीं होती, लेकिन काम की चीज है वो। क्या काम की चीज कैसे है? आप खुले में सो रहे हैं चारपाई डाल के, और आपका घोड़ा या घोड़ी आपके पास में खड़ा है, तो रात को आपका कत्ल कोई नहीं कर सकता, आपको मार नहीं सकता, घोड़ा प्रोटेक्शन में आएगा जैसे कुत्ता आता है। लोग भरोसा नहीं करेंगे इस बात पे, मैं कह रहा हूँ काठियावाड़ी करता है ये काम। एक बार मेरा एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा था, वो मर गया, तो मैं उस पर चढ़ता था, तो उसकी काठी और तंग रह गए। मैंने काठियावाड़ी बेच दिया था किसी को, वहाँ वो भूखा मर रहा था, इधर से मेरा घोड़ा मर गया ऑस्ट्रेलियन, मेरे को वही काठियावाड़ी याद आ रहा था, मैंने वो वापस खरीद के मंगवाया। वो भूखा मार के बेचारे को बिस्कुट बना रखा था, सूखा रखा था बिल्कुल। मैं अब उसको तगड़ा करने की खुराक चालू कर रहा था, मेरी बहन आ गई आश्रम में, बोली भाई साहब मैंने इस पर बैठना है। मैंने की काठी का बहुत मोटा तंग है, और हम मेरे पास मेख नहीं है जो उसको तंग में मैं सुराख कर दूं, और तंग है बहुत बड़ा, अब काठी इस पर ढीली धरी जाएगी, और तू तो चढ़ने की कह रही है, काठी घूम गई तो। बोली नहीं, मैं दोनों स्टेरप्स पे रकाबों में बराबर वेट रख के मैं ले जाऊंगी। मैंने कि देख ले, घूम भी सकती है। बोली नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। मैंने कि ठीक है चली जा। तो वो काठी पे दोनों पैरों पे, दोनों रकाबों पे वजन रख के तंग कम से कम 6 इंच नीचे लटक रहा था उसके बैठने के बाद। तंग तो यूं मान लो था ही नहीं, वो यहाँ से कच्चा रास्ता होता था, तब पक्की सड़क नहीं थी, 25-30 साल की बात होगी। वो यहाँ से घोड़े को भगाती भी लेगी, आगे नाथ संप्रदाय वालों का आश्रम है, वहां से वो वापस ला रही थी। घोड़ा मजे ले रहा था, क्यों मेरी बहन में ज्यादा वजन है नहीं, और वो खूब फुड़की मार रहा था नाक से, जैसे अरबी घोड़ा मारता है। और वो जैसे हमारे गांव के नज़दीक आई तो फिर वो भूल गई दोनों रकाबों पे बराबर वजन रखना। उसकी काठी घूम गई, एक पैर रकाब में फंस गया, और उसका सिर जो था मिट्टी में आगे लगा।
घोड़े ने चारों पैर उसी टाइम जाम कर दिए, वहीं खड़ा हो गया और घूम के मेरी बहन का मुंह चाटने लग गया कि भाई तुझे चोट तो नहीं लगी। अब ये बताओ, अगर कोई इस तरह से गिरता है उसकी टांग रकाब में फंस जाती है तो घोड़े डर के मारे और तेज भागते हैं और उस आदमी के की छाती को एब्डोमेन को फाड़ देते हैं सुमो से। असल में मैंने उस घोड़े को ट्रेनिंग दे रखी थी, 3 बार किया था उसके साथ। एक बोरी में मिट्टी भर के, उस बोरी में एक लंबी सूत की रस्सी कांटे वाली लगाम में उसके कड़े में बांध दी, लंबी रस्सी, और घोड़े के पीछे थोथे बांस से जिससे चोट ना लगे, आवाज़ ज़्यादा है, मैंने वो बांस मार दिया तो घोड़ा उछल के जो 3-4 छलांग मार के वो आगे को चला। तो बोरी तो गिरनी थी, बोरी गिर गई, जैसे ही गिरी घोड़े को लगाम में झटका लगा, घोड़े को रुकना पड़ा। मैंने 3 बार किया था, 7-8 साल के बाद भी जैसे ही मेरी बहन गिरी घोड़े को वही वो मेरी ट्रेनिंग को याद किए हुए था, उसने उसी टाइम वो रुक गया। और मेरी बहन तो आई ही उस दिन थी, उसका कुछ नहीं करती थी, कभी कभार उसके ऊपर हाथ फेर देती थी, पर उसको याद था, उसने घूम के उसका मुंह चाटना शुरू कर दिया। तो मैं काठियावाड़ी की कैसे बुराई करूं। हाँ, कोई भी कह सकता है इसकी तो हाइट नहीं है, हाइट चाहिए भाई तो फिर वो PBG का घोड़ा लिया हो ना, प्रेजिडेंट बॉडीगार्ड का, हैनोवरियन, हैनोवर जर्मनी का, वो बहुत ऊंचा है, चढ़ने उतरने में दिक्कत आएगी, स्पेशल खुराक खिलाओगे, इतना माल चट करेगा तुम्हें पता चलेगा, ले आओ हैनोवर वाला हॉर्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काठियावाड़ी को 60 डिग्री पे हमारा आदमी बेहोश होने लगता है, यहाँ पे गर्मियों में 50 डिग्री हो जाए तो बेहोश हो जाएगा, थोरोब्रेड का तो दम ही निकल जाएगा, लेकिन काठियावाड़ी 60 डिग्री में आपको सवारी दे देगा, आपको लेकर चला जाएगा जहां भी आपने जाना है। तो आई एम अ लवर ऑफ काठियावाड़ी हॉर्स। हालांकि मेरा गुजरातियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब नस्ल का सवाल आता है तो वाई नॉट द इंडिजिनस हॉर्स। भारत की इंडिजिनस हॉर्सेज जो है वो कौन कौन से हैं? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी की भी सब कैटेगरी 3 आ गई है भाई, एक राजस्थानी सिंधी हो गया, एक पाकिस्तानी सिंधी हो गया, एक सिंधी हो गया, फिर अब एक कच्ची सिंधी भी आ गया है, वो उसकी भी रजिस्ट्रेशन चालू हो गई, वो ढूंढ लिया है कच्छ के रण में गुजरात में। और हमारे प्रसिद्ध नामचीन जो सीनियर जो वो हैं घोड़ा व्यापारी भाई अरजीत सिंह, वो कहते हैं कि ये कच्ची सिंधी का देख लो, इसकी गधे की आंखें, घोड़े में गधे की आंखें फिट हुई हैं, इसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। तो लोग कहते हैं कि गधे और घोड़े से तो खच्चर होगा, क्या घोड़ा हो सकता है? हो सकता है, अरजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं सहमत हूँ। जो कच्छ के रण का गधा है जिसको घोड़खर बोलते हैं, वो सिंधी हॉर्स में मिक्स है, आंख से पता चलता है। कहते हैं भी जो गधा घोड़ा मिक्स हो गया खच्चर, उससे तो कुछ पैदा ही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, आप नेट के ऊपर रिसर्च करिए। कम से कम हर साल कम से कम 50 हाइब्रिड्स ऑफ डोंकीज एंड हॉर्सेस हर टाइम जिंदा रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, और इसमें कोई दो राय नहीं है, अरजीत सिंह बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, वास्तव में वो मिक्स है, गधा मिक्स है उसके अंदर, इसीलिए उसके अंदर इननेट पावर ज़्यादा है, क्योंकि कोई घोड़ा रवाल नहीं दे सकता जिस भयंकर तरीके से रवाल में भगाते हैं घोड़ों को, ऐसे मारवाड़ी को भगा दें तो दम निकल जाएगा, काठियावाड़ी तो फिर भी चल जाएगा, काठियावाड़ी क्या पता आगे भी निकल जाए। काठियावाड़ी ओवरऑल साउंड होता है बहुत ज़्यादा, और तांगे में तो शायद वो 125 किलोमीटर निकाल देगा, अगर आपको तांगा चलाना आता है तो 125 किलोमीटर डेली निकाल देगा। और फिर आ जाते हैं अब हम इंडिजिनस हॉर्स मारवाड़ी पे। अब मैं आपको फोटोज दिखवाऊंगा जिसमें कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मारवाड़ी में थोरोब्रेड मिक्स है। और अब से नहीं हो रहा, जो केलवा वाले ठाकुर साहब हैं अनंत सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मारवाड़ी में थोरोब्रेड पिछले 100 साल से मिक्स है। मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि हमारे पास 19
80 में एक ऐसा घोड़ा था मेरे दादा के पास, उसकी बहुत फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, वो वीडियो में आपको दिखाई जाएंगी। गर्दन और कानों मुंह को हटा दो, नीचे से प्योर थोरोब्रेड है, छाती की मसल्स दिखा रही हैं कि वो थोरोब्रेड है। और मारवाड़ी के अंदर इसकी सौंदर्यकरण में है, मारवाड़ी के की सुंदरता बढ़ाने में हमारे पंजाब के भाइयों ने बहुत मेहनत की है और मारवाड़ी को बहुत ऊंचा लंबा सोना बना दिया है, सुंदर बना दिया है। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि सुंदरता के अलावा और कुछ भी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बुरे दिन आ रहे हैं। वो के क्या मतलब, मैं पिछले 23 साल से बायोमेडिकल वॉर्स पे भी अपनी पर्सनल रिसर्च कर रहा हूँ। 1997 से मेरे पास फाइबर नेट केबल था, तो मैं उस टाइम पर पैंडेमिकोलॉजी यानी महामारियों के ऊपर और जो कृत्रिम महामारियां हैं मैं उनके ऊपर भी ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था। और अब की बार भी कोरोना में जब आदमी तड़ाधड़ मर रहे थे तो 10 दिन तक मेरा फोन जो है वो बंद नहीं हुआ था, मेरी कनपटी लाल हो गई थी दवाइयां बता बता के। और ईश्वर की कृपा से मुझे नहीं पता मैं 100 आदमियों को बचा पाया, 200 को बचा पाया। अपने जो अनुयायी थे जिसको मैंने औषधि लिखवा दी उसकी जान जरूर बची है। और मैं अपने घोड़ों तक को गिलोय देता हूँ, मेरे घोड़े गिलोय खाते हैं नियमित मात्रा से, नियमित रूप से, और घोड़ों पे गिलोय का बड़ा अच्छा असर है, हाथों पैरों पे बहुत अच्छा असर है, कुल मिला के इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर है। और पंजाब के भाइयों से मेरी विनती है कि ज़्यादा कद ना बढ़ाएं, ऐसा ना करें कि ऊपर से तो घोड़े का कद और गर्दन और धड़ ज्यादा भारी हो जाए और नीचे उसकी टांगें पतली रह जाएं, होगा उससे क्या होगा। अब मैं 110-120 किलो का आदमी हूं, मेरा पूरा गांव रेसलर्स का है, यहां मेरे जैसे बहुत आदमी मिल जाएंगे। रवि दैया सिल्वर मेडलिस्ट और कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर, मतलब ये मान लीजिए अर्जुन अवार्डी हो गया बेचारा, वो हमारे गांव का ही तो है, हमारी फैमिली का, ये पूरा गांव एक ही औरत से पैदा हुआ पड़ा है, नारों से, नारों के कारण गांव का नाम नारी रखा हुआ है। तो मेरे जैसे आदमी बहुत हैं यहाँ। पंजाब के सरदारों ने मारवाड़ी के कद को क्यों बढ़ाया, नुकरे के कद को क्यों बढ़ाया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये निसंदेह मानना पड़ेगा कि हमारे पंजाब के भाई बहुत मेहनती हैं, सरदार लोग सिख लोग, ये 100-125 साल से ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हैं और भारत के हर शहर में इनका गुरुद्वारा है और ट्रक ट्रांसपोर्ट में इन्होंने बहुत मेहनत की है बेचारों ने। और फिर उसके बाद देश विदेश में जहाँ भी एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ भी खेती की जमीन है, वहाँ आपको हमारा पंजाब का भाई सरदार जरूर मिलेगा। मैं सरदारों की तारीफ क्यों कर रहा हूं भाई, 54 भर मैं भी सरदार हूं, 1/4 हिस्सा मेरे अंदर सरदारों का है। मेरी दादी सरदारों की लड़की थी, मेरी दादी का जो दादा था, दादा परदादा, वो राजा रणजीत सिंह का खजांची था, भिवानी का जाट, कोई वहां पंजाब चला गया था मुनीम बन के और धीरे धीरे वहां खजांची की अवस्था में आ गया और वहां उनके प्रभाव में वो फिर सिख हो गया। और वो खजांची की अवस्था में थे तब राजा रणजीत सिंह का के लड़के की हार हो गई थी, लड़का हार गया था रणजीत सिंह का, तो लड़के ने ऑर्डर कर दिया खजांची को, बोला जो लेके यहाँ से भाग सकते हो भाग जाओ, तुम ले जाओ, मैं नहीं चाहता अंग्रेजों को मिले। तो खजाने से वो 8 खच्चर सोने चांदी के भर के और वहां से मेन रोडों पर तो अंग्रेज पकड़ लेते, वही आज का सिस्टम, मेन रोड पर पुलिस खड़ी होती है, स्मगलिंग सारी छोटे छोटे रोडों से होती है। तो छुपे हुए रास्तों से बचता बचाता हुआ मेरी दादी का पूर्वज सोनीपत में सवा कलाना गांव है उसमें आके बस गया था। वो भी अजीब सा ही घर है उनका, घर है उसके अंदर फिर घर है फिर घर है और बीच में कुआं है और आपने स्नान करना है तो चौबारे में बैठ के यानी ऊपर की मंजिल में बैठ के बाल्टी रस्सा डालो और हवा लगते हुए चौबारे में बैठ के प्रेम से स्नान करो। वे भी घोड़े रखते थे, इस इलाके में घोड़े बहुत थे,
काठियावाड़ी में काला रंग जो है वो प्रमोट नहीं होता, काठियावाड़ी में काले रंग को ब्रीड ही नहीं करते और वो जो हॉर्स शो में काले रंग को आने नहीं देंगे। और ये जो मारवाड़ी है ये प्योर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान कालावड़ के बाबा बालकदास बोलते हैं कि मारवाड़ी जो है ये काठियावाड़ी और सिंधी को मिला के मारवाड़ी नस्ल बनाई हुई है। मारवाड़ी की खराबी क्या है? खराबी बस इतनी है कि इसमें स्टेमिना कम है। अगर इस पर बुरी दबाव, इस पर पूरा दबाव दे दें और इस पर रुकने ना दें तो ये घबरा जाता है। काठियावाड़ी और सिंधी मर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, ये इनकी खासियत है। अब संसार में दो ही हॉर्सेज होते हैं, दो कैटेगरीज में ले लो, शो हॉर्सेज एंड वर्किंग हॉर्सेज। मारवाड़ी को अलग अलग ब्रीड्स मिला के हाइब्रिड कर दिया है, मुझे कहने की जरूरत क्या है? मुझे कोई जरूरत नहीं है। वो तो घोड़ों का मुंह है और पुट्ठे हैं, गर्दन है। अगर आप इंपोर्टेड ब्रीड्स को जानते हैं और उनसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ब्रीड मिक्स है इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पे हॉर्स एनसाइक्लोपीडिया है, मेरे पास यहाँ पे शाली होत्र संहिता भी है। जो ये किया जा रहा है भाई, 70 इंच का घोड़ा मारवाड़ी, भाई आज तो हम उन घोड़ों को पाल रहे हैं, अगर कल को कोई बात होती है, इतना चारा, इतना दाना, इतनी फैसिलिटी हम नहीं दे पाए तो कुछ दया करो भाई, वे मर जाएंगे। मे बी समटाइम यू हैव टू कीप द हॉर्स ऑन स्पार्स राशन, थोड़े दाने और थोड़े घास पर पालना पड़ गया तो वो बेचारा मर जाएगा, दया करो उस पर, हमारा मौसम नहीं है। फिर कहते हैं कि भाई ये जो 7 करोड़ के 11 करोड़ के जो हो रहे हैं, क्या इतना पैसा जायज है? मैं कहूँगा भाई मेहनत इनकी है, पंजाब के सरदारों की, ये पैसा कोई दे रहा है और ये ले रहे हैं तो दिक्कत क्या है? पर ये इतने महंगे क्यों हैं? महंगे होने जायज हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों जायज हैं, क्योंकि घोड़े की अनेकों घोड़ियों से क्रॉसिंग करवाने के बाद तब एक डिजायरेबल बच्चा आएगा, एक मनोवांछित सुंदर शरीर का बच्चा आएगा, जैसा कि हमारे सिख भाइयों को जरूरत है। क्योंकि ये विदेशों में जाकर उनके घोड़े देखते थे, वो रूप दिमाग में आने के बाद फिर उन्होंने कि भी हमारे भी होने चाहिए। अब बाहर के घोड़े शरीर से तो बड़े सुंदर होते हैं लेकिन उनके कान बड़े भद्दे होते हैं, कान ढीले होते हैं उनके, तो वो कमी इन्होंने अपना पूरी कर दी, कान ऊपर को कर दिए, गोल घुंडीदार कर दिए। मेरे पास ये भी खबर आ रही है कि गुजरात से घुंडीदार कानों के काठियावाड़ी बच्चे ले जाके और उनको, उनसे नुकरों के कान जो है वे गोल करवाए जा रहे हैं, अंदर को घुंडी करवाई जा रही है, जबकि गुंडीदार बच्चा जो है वो धीरे धीरे आएगा, वो कई पीढ़ियों में आएगा। तो ये जो 7 करोड़ 11 करोड़ के घोड़े हैं, मैं नहीं कहता भी इनका, इनके पैसे नाजायज हैं भाई, लोगों ने रूप बनाना है। मारवाड़ी की कीमत तो रूप की है और रूप बड़ी मुश्किल से बनता है, बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करवानी पड़ती है, बहुत घोड़ियां रखनी पड़ती हैं, जगह भी बहुत गिरती है, दाना भी बहुत दिया जाता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बल्कि खुश होते हैं भाई, हॉर्स इंडस्ट्री को जो है फायदा हो रहा है। और मेरे से पूछे भी मिक्सिंग क्या सही है या गलत है, जब मारवाड़ी शुरू से ही मिक्स है, काठियावाड़ी और सिंधी का मिक्स है, उसमें और भी मिक्सिंग कर दी तो दिक्कत क्या है? मैं तो बस एक ही बात चाहता हूँ भी, अगर इस टाइप के लंबे चौड़े घोड़े बना रहे हैं तो उनकी एंडोरेंस के ऊपर ध्यान दिया जाए, उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के एंडोरेंस रेसेस करवाओ, तब मारवाड़ी बनेगा भाई जालिम, तब आएगा मजा मारवाड़ी रखने में। ये जो सुंदर सुंदर घोड़े हैं देखने लायक, इनको एंडोरेंस पे डाला जाए और जो घोड़ा एंडोरेंस में ना पिटे, जो आगे निकल जाए एंडोरेंस में, भाई हार्ट बीट भी चेक करते हैं और भी चेक करते हैं एंडोरेंस में, तो जो घोड़ा एंडोरेंस क्वालिफाई करता है उसी की ब्रीडिंग करवाओ, तब हम मारवाड़ी के बारे में सिर ऊंचा कर पाएंगे। कसर सिर्फ यही रह रही है, करो इसे। कोई कहे भी आप कर लो भाई, मेरे को तो शौक ही नहीं है, ना तो मैं ब्रीडिंग करवाता हूँ, मेरे को तो ब्रीडिंग से ही गुस्सा आता है। क्यों? घोड़ियों की फिजिकल कंडीशन खराब हो जाती है और घोड़ियाँ जल्दी मर भी जाती है। जब इतने सारे हमारे भाई ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है, हम तो बच्चा ले आएंगे। मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 बूढ़ी घोड़ी हैं, आई एम सेटिस्फाइड भाई। मैंने तो घोड़ों की सेवा करनी है, मैं तो नुकरा भी पसंद नहीं करता। और ये डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर भी मैं गया था तो डिस्ट्रिक्ट गंगानगर का जो सबसे भयंकर घुड़बाज लड़का है वो मेरा चेला है, वो कह रहा था जी नुकरा हमने रखना बंद कर दिया, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में नुकरा कोई नहीं रखता। मैंने कि क्यों?
बोला नुकरा अड़ता ज्यादा है। मैंने यार दिल्ली में तो, मैं मन में सोचने लग गया दिल्ली में तो नुकरा कोई अड़ता नहीं, ठीक चलते हैं बेचारे, बग्घी में भी ठीक चलते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि नुकरा जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर डेजर्ट एरिया है, वहां का टेम्परेचर 1-2 डिग्री ज्यादा है और नुकरे के अंदर ठंडे बर्फ के घोड़ों की मिक्सिंग है, बर्फ में जो घोड़े बनते हैं ठंडे मुल्कों में, क्लाइड्सडेल है, एंडालूसियन है, एपालूजा है, ये उन्होंने मिक्स कर रखा है। तो जब वो अननेचुरली जब टेम्परेचर हाई होगा एटमॉस्फेयर का, गंगानगर में रेतली जमीन है, उस जमीन में घोड़े के पैर गर्म होंगे, कंटिन्यूस गर्म होंगे, ऊपर से उसको गर्मी लगेगी तो वो दंगा करेगा, फिर वो अड़ेगा क्योंकि उसको गर्मी लग रही है। गंगानगर वालों ने नुकरे सारे रखने छोड़ दिए। अब नुकरा मेरे आश्रम में भी आ गया, वो हमारा हॉर्स राइडर है, बोला जी आप ले लो, ये बच्चा 1 महीने का है। मैंने कि यार मैं सफ़ेद रंग पसंद नहीं करता, सफाई ज़्यादा मांगता है, खुरैरा करके हटो गंदा, वो फिर लेट जाएगा, गंदा हो जाएगा, बार बार उसको साफ ही करते रहो। मैं तो काला रंग, सुरंग रंग और कुमैत रंग पसंद करता हूँ। बोला यार ले लो जी, आप नहीं लोगे तो कर्जा करके मैं लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों मुझे कर्जे में दबा रहे हो। मैंने कि ठीक है तू लिया, तो फिर मैं तो खरीदने भी नहीं गया था, जितने पैसे उतने कहे थे मैंने उसको दे दिए, वो ले आया, नहीं तो मैं नुकरा कलर पसंद नहीं करता, मैं भी पक्का गुड़बाज हूँ। मारे बूढ़े सफ़ेद रंग खुद पसंद नहीं करते थे क्योंकि हमारे यहाँ सफ़ेद गाय होती थी, अब तो खैर ये काली पीली गाय हो गई अमेरिकन। बोले भाई धौले रंग पर ना बैठा जा, क्यों ऐसा हो जाए, जो अगर गऊ पर बैठा हो ऐसा हो जाता है जैसे गाय की सवारी कर रहा हो, सफ़ेद रंग का क्या, सफ़ेद रंग के ऊपर हम नहीं बैठते, काला हो, लाल हो, सुरंग हो, अबलक को भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। स्वामी भक्ति की एक मिसाल याद आती है, हमारा निवास स्थान एलडीको में है, सोनीपत एलडीको, जुरासिक पार्क के सामने मेन जीटी रोड पे, वहाँ हमारे पड़ोसी हैं श्री विक्रम गुजर। तो सोनीपत के गांव का जिक्र है, 2 गांव बिल्कुल इकट्ठे हैं सोनीपत में, पट्टी और कल्याणा, कल्याणा उसको बोला जाता है, पट्टी कल्याणा, बीच में गली है, गली से इस तरफ पट्टी है, दूसरी तरफ कल्याणा है। पट्टी कल्याणा का नंबरदार पुराने टाइम में घोड़ा रखता था, नंबरदार साहब जो थे बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और वो घोड़े पर चढ़े हुए कहीं जा रहे थे, कच्चे रास्ते होते थे, नंबरदार जी को ज़्यादा चढ़ गई, तो पहले रकाबे नहीं रखते थे बूढ़े लोग, पहले रकाब तब रखी जाती थी, काठी जब रखते थे जब बहुत ज़्यादा दूर चलना पड़ता था तब काठी लगाते थे, नहीं तो वैसे ही तैरू लगाया और उसके ऊपर बैठ गए। अरबी घोड़ों की वीडियो देख लो, वो भी सैडल नहीं रखते, तैरू पे बैठते, यहाँ भी ऐसे ही था, नंबर था नंबरदार साहब को ज़्यादा चढ़ गई, वो ऊपर से लुढ़क गए, कच्चे रास्ते में गिर गए। घोड़े ने प्रोटेक्शन के लिए अपने मालिक को बचाने के लिए अपने मालिक के चारों तरफ चारों पैर रख दिए और रास्ते में अगर कोई आता तो घोड़ा हिंसक हो जाता था, या तो पिछली लात मारता था या अगली टाप चला रहा था, मुंह के नज़दीक आ गया तो मुंह से भी काट रहा था। अपने मालिक के ऊपर जब तक मालिक को होश नहीं आया तब तक घोड़ा खड़ा रहा। नंबरदार साहब की जब उतर गई, उनकी खुमारी जब उतरती है तब वे देखते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, तब घोड़े के ऊपर बैठ के वे चले, तब घोड़ा वहां से चला। और जो हमारे जो इंडियन हॉर्सेज हैं इनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी है, ये 12 कोस दूर से भी बता देते हैं मालिक को कि सामने खतरा है। अगर मालिक को खतरा है तो 12 कोस दूर घोड़ा अड़ जाएगा और जो जानकार सवार होगा अगर घोड़ा ऐसा ड्रामा करता है तो वहीं अपना बिस्तर खोल के घोड़े को वहीं बांध गए, घोड़े के साथ सो जाएगा। घोड़ा सोते हुए मालिक पर पैर नहीं रखता, हाँ पेशाब करेगा, छींट मालिक पर चली जाएंगी, लेकिन जब जान बच रही है तो घोड़े के पेशाब से क्या अर्ज है। जब तक खतरा रास्ते से हटेगा नहीं तब तक घोड़ा उस रास्ते पर चढ़ेगा नहीं। घोड़े में आध्यात्मिक शक्ति होती है, ये मैंने देखा है घोड़े का। और भी जो मैं कभी भी हिजड़ा घोड़ा नहीं रखता, मैं हमेशा स्टैलियन रखता हूँ, नर घोड़ा। मेरा उस्ताद ये कहता था किसी को भूत बाधा होती है ना तो
तो नर घोड़े के सिर के जो ये कानों के पीछे बाल होते हैं, ये दो बाल तोड़ के तावीज में बांध के उस आदमी को के गले में टांग दो, भूत प्रेत नहीं आएगा। कहते हैं भूत प्रेत होता है नहीं होता है? होता है। अभी नारी में ही हमारे गांव में एक बेचारा जवान लड़का 25-26 साल का, 15-16 साल पहले सुसाइड कर गया था। वो हमारे गांव का सबसे सुंदर लड़का था और उसने पेट्रोल डाल के आग लगा के आत्महत्या की थी। अभी 1.5 महीने पहले वो अपने ताऊ के लड़के के घर में आ गया। ये किम वदंती नहीं है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं डराना किसी को चाहता भी नहीं हूँ, आपको हैरान कर रहा हूँ सिर्फ। और ये सच है, अपने ताऊ के लड़के की बहू से आके बात करने लग गया। बोली जी, जैसे ही वो चीज़ निकट आई मेरे हाथ पैरों का दम निकल गया, मेरे से बात करने लग गया। फिर वे ला गए मेरे भाई भाभी, बोले फिर आपके भाई के पैर पकड़ लिए। आपका भाई चिल्ला रहा पड़ा, कौन है तू? तब भूत बोलता है, मैं नीरज हूँ, मैं अपनी भाभी से मिलन आया था। तो भाई के हाथ में मोबाइल था, मोबाइल उसकी माँ को मिलाया और उसकी माँ से बात करवाई। बोला भाई तू अपने घर क्यों नहीं जाता? कहता मेरे घर के दरवाजे मेरे लिए बंद है। बोले ले अपनी माँ से बात कर। तो अपनी माँ से वो फोन पे बात करता है, माँ बोलती है दरवाजे खुले हैं, तू आ जा मेरे पास। कहता भाई साहब आप मेरे से नाराज हो तो मैं जा रहा हूं। वो वहां से चला गया। भाई पैर पकड़ रहा है अपने भाई के भाभी से बात कर रहा है और माँ से टेलीफोन पे भी बात कर रहा है। तो चीज क्या है, नर घोड़े का ये नियम होता है कि नर घोड़ा जिस स्थान पर खड़ा होगा वहां प्रेत की का साया नहीं आ सकता। ये भी गुण बता रहा हूं, ये मेरे उस्ताद ने बताया। और शुभ लक्षणों के अब मेरे पास यही शालोत्तर संहिता है, उसके अंदर ऐसे ऐसे शुभ लक्षण हैं, अशुभ लक्षण भी हैं कि भी इन लक्षणों का घोड़ा यदि हो तो दिन और रात लक्ष्मी बरसेगी। जैसे कि मुस्की पंच कल्याण जो होता है उसको मलय कच्छ बोलते हैं शालोत्र में। मुस्की पंच कल्याण मलय कच्छ होता है। यदि उसकी भंवरी खराब ना हो और मलय कच्छ घोड़ा आपके घर में है तो दिन और रात लक्ष्मी की बारिश होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शालोत्र संहिता बोल रही है। अब अश उत्पत्ति वर्णन जो है ये भी हमारे शास्त्र में दो प्रकार का है। बाबा बालकदास घोड़े वाले कालावड़ के, वो कहते हैं कि देवासुर जब समुद्र मंथन हुआ था और पर्वत से समुद्र का मंथन किया था शेषनाग के द्वारा, तो 16 रत्नों में से 2 रत्न काम उच्च सर्वा घोड़ा और काम धेनु गाय निकले थे। और फिर वो घोड़ा देवलोक में चला गया और वो सूर्य भगवान के रथ में उच्च सर्वा जुड़ा हुआ है, जिससे सूर्य महाराज उसके रथ में बैठ के आसमान में दिन और रात बनाते हैं। ये पौराणिक कथा है। और उस घोड़े की नजरों से 6 मानव तप कन्या जो कि हवन कुंड से निकाली गई थी, वे नजरों से गर्भवती हुई थी और वहां से घोड़े चले थे। वो इंद्र की अश्वशाला वहां थी, वहां से फिर राजा सगर महाराज भगीरथ के पूर्वज वे धरती पर घोड़े लेके आए थे। ये पौराणिक कथा है। लेकिन ये जो शालोत्र संहिता है, शालोत्र ऋषि की लिखी हुई जिसको शालोत्र बोलते हैं, इसके अंदर अश्व उत्पत्ति दूसरे ढंग से है। इसके अंदर अश्व उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में अश्वा ऋषि हवन कर रहे थे और हवन का धुआं जब आंखों में लगा, ओम धूम ऐसे लिखा हो, ओम का धुआं धूम ओम धूम जब आंखों में लगा तो अश्वा ऋषि महाराज के आंखों से 2 आंसू टपके थे और आंसू जमीन पर जब गिरे तो उनमें से 3 वस्तुएं निकली थी। वाम नेत्र ते अश्वनी बहनों भयो तुरंग, बाई आंख से अश्वनी कुमार आंसू में से खड़े हो गए थे, जो कि विश्व के सबसे पहले वैद्य माने जाते हैं। और दाई आंख के आंसू से तुरंग घोड़ा उठा था, हो सकता है वही उच्च सर्वा हो और वो फिर समुद्र में से निकाला गया हो। मतलब 2 अश्व उत्पत्ति हमारा जो सनातन शास्त्र है वो बता रहा है। मेरे से पूछे भाई ये क्या है, मैं कहूंगा भाई इसका मतलब कुछ और है। यूं का यूं तो ये बच्चों की परिकथा लगती है, बट एनीवे
कुछ भी हो, बाबा बालक दास ये कहते हैं जो, क्योंकि ये स्त्री रज से उत्पन्न हुआ घोड़ा है, तो जो स्त्री की, जो मनुष्यों की दवाई है वही घोड़े की दवाई है, और जो घोड़े की दवाई है वही मनुष्य की दवाई है। मैं इसमें सहमत हूं। एक रिटायर्ड वेटरनरी डॉक्टर ने बहुत पोस्टमार्टम किए हैं भैंसों के, गायों के, बैलों के, घोड़ों के, तो वो ये कहते हैं कि घोड़े को की जब चमड़ी उधेड़ी जाती है पोस्टमार्टम में, तो उसकी चमड़ी ऐसे उतरती है और दिखती भी ऐसी है जैसे आदमी की हो, और घोड़े घोड़ियों के जब पोस्टमार्टम होते हैं तो घोड़ी का प्रजनन अंग जो होगा अंदर, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज, वो सारा का सारा औरत को रिजेंबल करता है, और बाहर से जो स्टैलियन का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है देख लो, वो भी आदमी से यूं का यूं मिलता है। और आदमी में और इसमें सिमिलैरिटी यही है कि ये दोनों चीजें, आदमी भी और घोड़ा भी, दे आर नॉन रिमुनेटिव, ये जुगालते नहीं है। सिर्फ फर्क यही है कि आदमी अन्न खाता है, घोड़ा घास खाता है, और आदमी से ये टेलीपैथिकली कनेक्ट होता है। वो आपको इस किताब में मिलेगा, व्हाट योर हॉर्स वांट्स यू टू नो, इस किताब में मिलेगा। उसमें इसमें ये लिखा हुआ है, अगर पैडॉक में घोड़ा खड़ा हुआ है और आप उसके पास जाएंगे, मान लीजिए आपने एक कंधा टाइट कर लिया, तो घोड़ा आपको देख कर, जबकि कपड़े में आपका कंधा छुपा हुआ है, घोड़ा अपना कंधा आप टाइट कर लेगा। आप रिलैक्स हैं तो घोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, आपने अपना पैर का घुटना टाइट कर लिया तो घोड़ा पिछले पैर के उसी घुटने को टाइट कर लेगा। शायद आपकी समझ में आता जा रहा है, ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने वाला जानवर है। जहां से मुझे, मेरा अब ये 2.5 साल का बच्चा है, ये बृहस्पति नाम है इसका, इसके मालिक ने रखा था, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, बिरादरी से राजपूत है। पोरबंदर का जो बंदरगाह है, द पोर्ट ऑफ पोरबंदर, उससे 1 किलोमीटर दूर एक फार्म में हमारा ये बच्चा पैदा हुआ था, और वो बतौर बिजनेस इस नस्ल को नहीं रखते, काठियावाड़ी को बिजनेस के लिए नहीं रखते, वे तो इसको देव प्राणी मानते हैं। एक चीकू का बाग उन्होंने वैसे ही छोड़ रखा है वहां पे घोड़ों के खाने के लिए, जैसे वे देव प्राणी मान के घोड़ा रखते हैं कि भी जहां ये खड़ा होगा वहां सब देवताओं की कृपा होती है। हम सतगुरु देव का वाहन मानते हैं, हमारे महाराज नेकीराम, सतगुरु नेकीराम, वे घोड़ा प्रयोग करते थे। और मैंने ये देखा है कि जब भी हमारे आश्रम में घोड़ा नहीं हुआ, हमारे आश्रम के बुरे दिन आ जाते, और जब ये होता है तो इससे हमारे आश्रम की समृद्धि बढ़ती है। हाँ भाई सुभाष जी, कहो तो आप शालोत्र संहिता के दर्शन करवाएं इनको। हाँ जी जरूर। देखो जी, ये हिसार इक्वाइन रिसर्च फार्म के डायरेक्टर साहब ने ये मुझे फोटो स्टेट करवा के तकरीबन 28-30 साल पहले दी थी। मैंने चतुराई पूर्वक इसका एक एक पेज लैमिनेट करवाया था, मैं किताबों का शौकीन हूँ। अब उसमें जिसकी ये फोटो स्टेट है उसमें कलर दे रखे होंगे, लेकिन मेरे पास इसमें कलर्स नहीं है, इसमें रंग दे रखे हैं, सिराजी रंग घोड़ा, बोस्ता रंग घोड़ा, बदामी रंग घोड़ा, केहरी रंग घोड़ा, जैसे मैं तेलिया को मैं दिया हुआ है मुश्की। अब कलर वलर तो इसमें दिखते नहीं है, बहुत पुरानी किताब है, और जिसने भी ये कलर किए होंगे बेचारे आदमी ने बहुत मेहनत की होगी। और जो हेड है वो घोड़ों का ज़्यादातर अरबी दिखा रखा है, क्योंकि बीच में कॉनकेव है, ये देखो बंदूकें दिखा रखी हैं, सवार पिस्टल भी लिया हुआ है, तलवार है, जालिया रंग घोड़ा नंबर 75। नंबर जब आ गया तो इसका मतलब ये आज़ादी के बाद लिखा हुआ है, शालोत्र संग्रह। ये देख लो पहला दुआ है, पांडव सुत कुल कमल रवि, धर्मात्मा धर्मज्ञ, सत्य सिंधु धीरज धुरी, राज युधिष्ठिर सज्ञ। पांडव का पुत्र युधिष्ठिर, धर्मात्मा जो धर्मज्ञ था, अपने कुल का कमल और सूर्य कमल रवि, सत्य सिंधु सत्य प्रति श्रवा, सच बोलने वाला, धीरज धुरी जो धैर्य की धुरी को ना छोड़ने वाला हो, राज युधिष्ठिर सज्ञ। सारे पांडवों के नाम दे रखे हैं, भीमसेन अर्जुन अनुज सहदेव सर्व सुजान, नकुल सकुल भूषण सकल, तुरंग तत्व गुरु ज्ञान, तुरंग तत्व का गुरु ज्ञान दिया जा रहा है। मुझे ये साखी बोलने की आदत है, क्योंकि हमारे सदुकड़ी भाषा में यही वाणी इस्तेमाल की गई है,
ब्रह्म विद्या में कि आपको ध्यान कैसे लगाना है, आपका ध्यान परमात्मा में जाकर कैसे लगेगा, जिससे कि परमात्मा आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपकी बात को सुनेगा, मानेगा। वो वाणी ऐसी ही है। तो मैं लिखा हुआ ग्रंथ देख बहु मुनि के किनो नकुल विचार। बहुत ऋषि मुनियों के ग्रंथ थे घोड़ों के ऊपर। तो नकुल सहदेव ये दोनों वेटरनरी डॉक्टर थे पांडवों के। ग्रंथ देख बहु मुनिन के कीनो नकुल विचार, शाल होत्र मत समझ गए रचना रची अपार। शाल होत्र पांडव सुवन प्रथमे रवि सुख कंद, ताही के अनुसार थे ग्रंथ बहे ग्रंथ बने बहु वृंद। सतयुग त्रेता दवा परे कलयुग युग सब योग, ताही में भाषा रची जो पहचाने लोग। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के सारे योगों को मिला के ये भाषा रची गई, जिससे कि लोग इसको पहचान लेंगे क्या लिखा हुआ है। विजय करण आनंद भरण गावन चारों वेद, गावत चारों वेद। चारों वेदों को जो गाएगा वो विजयी रहेगा। विजय करण आनंद भरण, उसके घर में आनंद भरता रहेगा। विजय करण आनंद भरण गावत चारों वेद, नकुल कहे सहदेव सो रवि वाहन को भेद। नकुल अब सहदेव को रवि वाहन, सूर्य का वाहन, उच्चई सर्वा जो घोड़ा सूर्य महाराज के रथ में जुड़ा हुआ है, उसका भेद समझा रहे हैं नकुल सहदेव को। विविध ग्रंथ अवलोकिक है, बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन करके। और कविन मत जानी केशव ये संग्रह रची जो तुरंगन सुखदानी। केशव कवि हुआ है जिसने ये ग्रंथ लिखा है। अभी देख लो स्टार्टिंग का, जब मैं कह रहा हूं कि भाई एक तो बाबा बालकदास कलावड़ वाले कह रहे हैं भाई 18 पुराणों में से पुरानी कथा जो है असोत्पत्ति समुद्र मंथन से कह रही है। यहां पर थोड़ा सा अलग है। अथ अशोत अश्व उत्पत्ति वर्णन। अश्वा ऋषि सुवन, एक अश्वा ऋषि के सुवन में अच्छे वन में एक शाल हो तृतीय नाम, तिस के चरण कमल दुति कविजन करें प्रणाम। शालहोत्र के अश्वा ऋषि के चरण कमलों की दुति रोशनी में ये कविजन प्रणाम कर रहे हैं। ऋषि कीनो आरंभ मख ओम धूम रह छाय, लागो लोचन ऋषि के सलिल बुंद पड़े आए। जब महाराज ने अश्वा ऋषि ने हवन प्रारंभ किया होम धूम, वहां पर होम का धुआं छा गया, लागो लोचन ऋषि के, ऋषि की लोचन आंखों में लगा, सलिल बुंद पड़े आए, दोनों आंखों से दो बूंद पानी आके गिरा। बाम नेत्र ते अश्वनी दहिनो भयो तुरंग, बाम नेत्र ते अश्वनी दहिने भयो तुरंग। भासो ऋषि तब सुवन सो है का करो प्रसंग। बाई आंख से अश्वनी कुमार जिन्होंने चवन ऋषि को जवान करने के लिए च्यवनप्राश का निर्माण किया। हम भी च्यवनप्राश बनाते हैं, हमारा च्यवनप्राश दुनिया का सबसे टेस्टी च्यवनप्राश होता है। वाम नेत्र ते अश्वनी दहिनो भयो तुरंग, दाई आंख से घोड़ा पैदा हुआ। बासो ऋषि तब सुवन सो है को करो प्रसंग। अब है का प्रसंग चलता है, घोड़े का प्रसंग चलेगा। अथ यज्ञशाला। शाल होत्र कहे तात सो अश्वपति करो विचार। इससे ये पता चलता है कि शाल होत्र अश्वा ऋषि का पुत्र था। तात का मतलब पिता। शाल होत्र कहे तात सो पिता अश्वा ऋषि को कह रहा है, अश्वपति करो विचार, वाजी के गुण दोष कछु भाषो मति अनुसार। घोड़े के गुण और दोष बताओ जी भाषो मति अनुसार। नमो निरंजन देव गुरु मार्तंड ब्रह्मंड, रोग हरण आनंद करण सुखदायक जगपिंड। हे निरंजन देव गुरु मार्तंड ब्रह्मंड बृहस्पति, रोग हरण हमारे रोगों का हरण करके हमें आनंद करी, आनंद सुखदायक जगपिंड, पूरी दुनिया का पिंड शरीर सुखदायक बना दो। वाजी समक्ष मन हरण वेश, श्री जय करता गज गजे हमें राजे हमेश। लख के भाषो ये देवराई, किही विधि ये वाहन हो आई। ये दिशी गण सो भाषो सुरेश, या को उपाय कहिए सुरेश। सब दिग
दर्शन ये विनय कीन ऋषि शाल होत्र या मैं प्रवीण। शाल होत्र के पास चल विनय करो बहुभाव, शाल होत्र की विन कृपा नाहिन और उपाव। सब विधि जीमो ठीक दे ले दिगी सब साथ, शाल होत्र के आश्रम ही गए सब सुरनाथ। सारे राजा शाल होत्र के पास गए अश्व के बारे में सीखने के लिए, घोड़े के बारे में। अतः आश्रम वर्णन, जहां वेद घोष निज पाप हरे, वेद की वाणी वेद के घोष से जिसका पाप नष्ट होता हो। सुख सारी का सुख कह कर रहे तोते और मैना जहां बोल रहे हो, पिक कोयल हंस सारसन वाद परे, मत द्वैत भेद निर्वेद करे। द्वैत का भाव खत्म हो जाता है, एक ही भाव जहां रहे। सवैया लिखा हुआ है, बाघ बछानी को गाय जीवावत, बाघनी है सुर भी सुत चोस है। बाघनी की के दूध को सुर भी सुत बछड़ा पी रहा है। नौरन को सहरावत सांप, आहारन देवे उन्हें प्रतिपावे। व्याध के थान ही सुनिए, अपलोक बसे जल कुंड नीचोपे। नैन ही रागमयी पिक के अब विग्रह वैर शरीर के धोवे। ऐसा होता है, ये ब्रह्म कला लिख रहे हैं। ब्रह्म कला में क्या होता है कि जो ब्रह्म विद्या को जानता है ना, ब्रह्म विद्याधारी को उसकी हत्या की इच्छा रखने वाले भी ब्रह्म विद्या वाले की सेवा करते हैं। ब्रह्म विद्या के आगे सब नतमस्तक होते हैं। ब्रह्म विद्या सबसे बड़ी विद्या है। तो वो जो आश्रम जहां ये शालहोत्र ऋषि रह रहे थे, अश्वा ऋषि के पुत्र, पीछे छंद में आया हुआ अश्वा ऋषि के पुत्र शालहोत्र मुनि, वहां वेद घोष हो रहा है। जहां उल्टे काम हो रहे हैं, उल्टे काम कैसे, बछड़े को तो बाघ खा जाएगा और बाघिन जो है वो बछड़े को, लिखा नहीं हुआ, सुरभि सुत चोस है। सुरभि का पुत्र, गाय का पुत्र बाघनी का दूध चूस रहा है। ये ब्रह्म कला में आता है। हमारी दूसरी वाणी भी है, वो गरीबदास जी की में आती है, उसमें ब्रह्म कला में ऐसा ही है। अब ये ज्यादा ही हो जाएगा तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ ज्यादा ही कलेश काट दिया। अभी उत्तरायण में घोड़ा पैदा हो रहा है, दक्षिणायन में पैदा हो रहा है, तो उसका क्या हो, उसका उपाय क्या हो। दक्षिणायन में पैदा हो गया अमावस का दोष, ये सब कुछ ज्यादा ही किया हुआ है, ये इतना सोचने में कोई फायदा नहीं है। दक्षिणायन में अमावस में जो होते हैं, ताकि शांति, यम कुबेर को मंत्र जपी होम करे सुखदाई, और कही जस शांति है दिन की देहु कराई। श्रावण में पैदा हो जाए उसकी शांति लिखी हुई है, ताकि शांति। रात्रि जन्म फल, भाई रात को पैदा हो जाए उसका क्या होता है, और दिन में पैदा हो जाए उसकी शांति कैसी है। वो ज्यादा इसमें कुछ इतना करवा रखा है कि ज्यादा सोचने लगेंगे तो फिर तो मारे ही जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये तो आपकी हमारी मर्जी है भाई, इसको माने ना माने। भाई घोड़ी के प्रसव समय में बछेरा के राखे की विधि, भाई कैसे उसको रखना है, कैसे केयर करना है सारा। खोजा निकारे की विधि, दूध पिलाने की विधि, घूंटी जैसे जन्म घूंटी होती है वो भी घोड़े की लिखी हुई है। कुछ ज्यादा ही है, इतना कुछ हम नहीं करते। अगर अलबत्त में तो मैं बच्चा पैदा करवाता ही नहीं हूँ अपने ठान पे, मैं चिढ़ता हूँ इस चीज से, क्यों घोड़ी की तबीयत खराब, वो ज्यादा कमजोर हो जाती है। ये तो हमारे और भाई बहुत जानते हैं। फिर वाजी वर्ण वर्णन, भाई वाजी के कितने, चार वर्ण बताए। मतलब हमारा शास्त्र जो है वो चार वर्ण घोड़ों के बताता है, बड़े इंटरेस्टिंग है। जाति नहीं है भाई, मनुस्मृति को भी खोल लोगे, वहां जाति वर्णन नहीं है, वर्ण वर्णन है। यूं नहीं है कि ब्राह्मण का लड़का जो है वो शूद्र नहीं हो सकता। ब्राह्मण का लड़का शराब पीने लग जाए, गंदे कपड़ों में पेशाब करता रहे तो शूद्र हो जाता है। शूद्र का लड़का ब्राह्मण हो सकता है। वर्ण व्यवस्था एक अलग चीज है। जातियों को फॉर्म होने में हजारों साल लगे हैं, तो मनु को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां घोड़ों के भी चार वर्ण बता दिए। अब देख लो, ब्राह्मण वर्ण लक्षण, स्वच्छ स्वभाव अनूप छवि, जासु तेज अधिकार, जाको देखत मोहि के नमत होत संसार। साफ उसका दिल होगा घोड़े का, अनुपम छवि होगी, और इतना तेजस्वी होगा कि दुनिया उसको देख के मोहित हो जाएगी और नमस्कार करेगी। भोजन की रुचि जास की, जलसों नहीं सकाए,
खूब खाने की इच्छा होगी, पानी से नहीं डरेगा। अग्निपुंज समुद्र ज्वलित अति रण देखत है जाई, आग के अंगारे की तरह से फूकने लग जाएगा अगर उसके सामने रण आ गया तो। युद्ध में अग्निपुंज समुद्र ज्वलित अति रण देखत है जाई, अरुप्रति भटको देख के, दूसरी फौज के भटका मतलब सिपाही प्रति भटको देख के नहीं भय माने सोई, भय नहीं मानेगा, सरल स्वभाव विवेक अति जल पीवे मुख धोई। दूसरी फौज के दुश्मन सिपाही को देख के भय नहीं मानेगा, सरल स्वभाव विवेक अति भले बुरे की पहचान रखता है, और पानी पीना हो तो मुंह धोवेगा पहले पानी में फिर पीवेगा। पुष्प समान प्रस्वेद तनु, उसके पसीने में फूलों की खुशबू आएगी, आवे बास सुवास सांसों में, श्वेत रंग है ताश को एन नैन समझास, सफेद रंग है उसका। ताते बार गरीब अति, उसके बाद भी बड़ा ही शरीफ होता है, बड़ो जास को बोल, जब हिनस करेगा हिन हिनाएगा तो बहुत जोर से हिनाएगा। सूरत प्यारी अति होए, सूरत प्यारी होए अति ऐसो असो अमोल, बहुत सूरत प्यारी होगी और ऐसा घोड़ा अनमोल है। रण में दगा करे नहीं, छतते नहीं अकुलाई, रण में धोखा नहीं देगा और चोट लगने पे दर्द नहीं मानेगा। बिभल भय सवार को घर ही नहीं पहुंचाई, बहुत बुरी तरह चोट खाकर परेशान सवार हो जाए ना, जख्मी हो जाए, बस एक बार घोड़े पर चढ़ जाओ या घोड़े पर अपने आप को बांध ले तो घर पहुंचा देगा। ब्राह्मण वर्ण का घोड़ा, ये काठियावाड़ी करते हैं ऐसे, इनको औरतें पालती हैं सौराष्ट्र के अंदर। हठ पकड़े छोड़े नहीं, डरे ना त्रास है त्रास, ना हठ पकड़े ना डराने से डरे, वे प्रवण पहचानिए रसो आवे रास, ये ब्राह्मण जाति का घोड़ा पहचानो, बहुत मुश्किल से मिलता है। ये कोई इलाका दे रखा है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ते दरियाई वारीवा नील सरों के पार, श्वेत रंग के जानिए होत विशेष अपार, ये सफेद रंग के नील सरा इलाका दरियाई वादी ये उस तरफ मिलते हैं। अब ये मुझे नहीं पता, कोई बुढ़ा आदमी जिंदा होता गुड़बाज तो बता सकता था, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन अब तो ये बातें गई नहीं, अब तो ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं का घोड़ा कहीं चला जाता है। अत क्षत्रिय वर्ण लक्षण, जो क्षत्रिय घोड़ा है, माने हार न नेक हूं, नेक का मतलब होता है थोड़ी सी, माने हार न नेक हूं करे विरोध जो कोई। अब देख लो किसान सारे क्षत्रिय थे, सबने विरोध कर रहा है पर वे हार नहीं माने, 13 महीने में बात मनवा ली अपनी। माने हार न नेक हूं करे विरोध जो कोई, संगर में लग शत्रु को अतिशय क्रोधित होई, युद्ध में शत्रु को देखकर बहुत गुस्सा मानता है। युद्ध समय असवार के मन के साथ उड़ाई, शत्रु शस्त्र ने स्वामी पर लागत दे बचाई, युद्ध के समय असवार सवार को लगाम का इशारा नहीं देना पड़ता, मन में सोचने की बात है उसी तरफ उड़ता चला जाएगा, और दुश्मन का हथियार अपने स्वामी पे लगने नहीं देगा, लिख रखा है शत्रु शस्त्र ने स्वामी पर लागत दे बचाई। महाराणा प्रताप का ताजन नस्ल का काठियावाड़ी, क्योंकि काठियावाड़ी की 36 नस्लें होती हैं, 36 जात होती हैं इसकी, सबसे टॉप ताजन होती है, मेरे पास भी ताजन ही है। बार बार मुख शब्द को ललकार है जनवीर, बार बार हिणस करेगा हिणसेगा ललकारेगा दूसरे को, एक ही एक शत्रु को आवे आवे दे न तीर, एकाएक उस पर तीर का वार भी नहीं होगा। टाप ही से बल करे युद्ध समय उत्साह, उत्साह करेगा जब दूसरे की फौजों में घोड़े नजर आएंगे, टाप मारेगा आगे को मिट्टी सरकाएगा हिणस करेगा, ऐसो बाजी भाग्य सो पावत है नरनार, बहुत भाग्य मिले भाग्य से मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो मिलना ही मुश्किल है। असवारी प्यारी लगे निस्वा शर्म होता ही, दिन और रात कदम ऐसे लगाएगा कि आपको झटके नहीं लगेगा। चार बहुत प्यारी होती है, बंधन तोरत तासुते तासुते ताको दोष न आई, ये अपने अगाड़ी पछाड़ी के रस्से भी तोड़ता रहे ना, तो इसको कोई दोष मत देना, इसको कोई डंडा मत मारना भाई, ये बहुत बढ़िया है। रण देखत प्रचंड है, पवन समान उड़ाई,
अस्त्र चोट माने नहीं सन्मुख बोल मन है। रण देखते ही प्रचंड हो जाता है, पवन के समान उड़ता है, अस्त्र चोट को नहीं मानता, इसको चोट लग जाए गोली लग जाए ये सामना ही करेगा भागेगा नहीं। अगर समान पर स्वेद तनु, जैसे लकड़ी होती है ना अगर की, अगर और तगर की लकड़ी होती है, अगर की लकड़ी कूट लो वैसा इसके शरीर में से पसीने में बदबू आएगी। अगर समान प्रस्वेद तनु आवद तजाते वासु अथवा और सुगंध को तनुते हो प्रकाश, दूसरी सुगंध भी अच्छी स्मेल आएगी इसके पसीने में। सहजे चौंकत है नहीं चौदिश चितवत जाए, सहज में चौंकता नहीं है चारों तरफ देखता रहता है। गने नहीं उपवास को सघन तेज सरसाई, इसको खाने को ना मिले तो उसको गिनता नहीं है। और बहुत ज्यादा धूप हो, जो मैं काठियावाड़ी कह रहा हूँ सघन तेज सरसाई, उसको भी नहीं मानेगा। सदा क्रोध राखे बहुत जल्दी करे आहार, हमेशा गुस्से में रहेगा मालिक के प्रति नहीं दूसरों के प्रति, दूसरे घोड़ों के प्रति। जल्दी करे आहार दाना गिरोगे उसी टाइम खा गए, पानी पी वे टाप के ऐसो ताश विचार, पानी की बाल्टी धरोगे तो भी धरती को खोचेगा टाप का पानी पी वेगा। वेग ताश के तेज बहु कदम चले सुखदाई, बहुत तेज चलता है और उस पर चाल बहुत रवान जोर की होती है उसकी। बोलत बोल सुन गए इन्हीं मानो बाघ है आई, ऐसा समझ लो जैसे शेर सा आ गया। अग्नि पवन और तोप सो ने को नहीं सकाई, आग आंधी और तोप से थोड़ा सा भी सकुचाता नहीं है। रिच बाघ गज देख के सन्मुख ताके जाई, रीच बाघ यानी टाइगर और हाथी देख के सन्मुख जाता है उसके, उसके ऊपर टूट के पड़ता है। मर्दानो क्रोधी बढ़ो क्षत्रिय वर्ण जो होई, ताके बल और पौरुष से बाजी न दूजो कोई, इसके बल और पौरुष मर्दानगी के समान कोई बाजी दूसरा नहीं होता। मर्दाना रहेगा गुस्सा बहुत आएगा, और ये क्षत्रिय वर्ण का ऐसा घोड़ा होता है। ये पूरा पन्ना इसी के ऊपर है। घोड़ी लख बोले नहीं नाहीन करे सरार, दुईपट ठाडो हो नहीं करे न पाँव प्रहार। घोड़ी देखने बाद बोलता नहीं है और उसके अंदर काम वासना सेक्सुअल वो नहीं आता। घोड़ी देखने बाद दो पैरों पे खड़ा नहीं होगा और ना ही टाप मारेगा। अड़े ना काटे भूल हूँ, ना अड़ता ना किसी को मुंह से काटता भूल के भी, अति गरीब सो होई। रसों रस राखे रह क्षत्रिय बाजी सोई, रंग कुमैत सो होत है जानो ताही प्रमाण। ये बेकलर होता है लाल घोड़ा, गहरा लाल घोड़ा और काले बाल का गर्दन के काली कंधवाल, घुटनों से नीचे काला पैर, काली पूंछ, वैसे बेकलर बे आप वीडियो में ढूंढ लीजिए। व्योसा ईरानी थवा इराकी है जान, ये ईरानी इराकी ये लड़ाई के घोड़े हैं, ये इनको क्षत्रिय वर्ण बोला है, मतलब अरबी घोड़े को। अब वैश्य वर्णबाजी और शूद्र वर्णबाजी में क्या करना है, मतलब चार बात दिखाते हैं। ये बाल बोरियों का विचार है, फिर इसमें रंगों का, बीमारियों का बहुत कुछ है, लेकिन अगर सालोत्र के हिसाब से चले तो बात बढ़िया बनती नहीं। अब जैसे पुराने टाइम में उत्तम बाजी देश बखानो चार बुखारू महामन मानो, बुखारा देश जो उजड़ चुका है, बुखारा ने तो कई सौ साल पहले उजड़ लिया था भाई। ये नीच घटिया घोड़े और ये अन्यमत, ये अरबी का लिखा उरकर सांकर, उरकर मतलब छाती मतलब छोटी हो, खुरकर मोटा, मोटे खुर, लंबी गर्दन कमर का छोटा, लंबी गर्दन होगी कमर में दो हड्डी नॉर्मल घोड़े से कम होती हैं तो कमर का छोटा। सो अरबी सोई ईरानी, पतरी थोबड़ी खुंदा कानी, पतला मुंह होगा और कान ऐसे होंगे, चौड़ो माथ थोबरी पतरी, चौड़ा माथ होगा थोबड़ा मुंह पतला होगा, रोम महीन कनोटी सुथरी, कान सुंदर होंगे, थाने सूद चढ़े वो तलखी, धनी खेत सो है इमी परखी, अधिक असाल तलाशिक भारी, कूद फांद में आतुरकारी, अरबी कूदता छवो बंद अति शुद्ध बनो है, सोई भक्कर खेत गणो है, ठट्ठर भक्कर और कंधारा, जंगल और कठियावारा काठियावारा, सुम को हल्का रोम का मोटा, नाती सुंदर ना बहु खोटा,
तिनके नीचे काबुल वाखो, मतलब काठियावाड़ी अरबी से थोड़ा नीचे बताया, अरबी ज़्यादा पावरफुल है मान लिया। इसके हिसाब से अरबी के बाद काठियावाड़ी का नंबर आता है और काबुली भी है, और दस में एक बिलाती रखो, थोरो ब्रेड का भी जिक्र आ गया है बिलाती। जटियाला राजपुताना, गर्दन बड़ी बड़ोई काने, कमर गामची सुरती का छोटा, दुम सुम भारी मुख को मोटा, आगे पाँच बराबर देखे, ताको सबको तुर्की देखे, तुर्की टांगन घुटकन काई, चारी को वेद कहे एक है, चारों को वंद एक है ठाई, कहूँ तहूँ तस्वीरन देखो, सो तुरंग दरियाई लेखो, जा घोड़े की पीठ बुद अति खाली अवरेखी, ताको कच्ची कहत सब अति स्वरूप को देखी। कच्ची घोड़ा जो कच्ची सिंधी है उसका जिक्र है, अति खाली मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली उतरी हुई सी होती है। उत्तम बाजी देश बखानो, चारों बुखारों महामन मानो, बुखार का जिक्र आ गया, खुरासान का जिक्र आ गया, और कर्नाटक गुजरात का जिक्र आ गया, मारवार और कश्मीर के उत्तर देश के अश्व, नीच कहें नकुलमत शाल होत्र सर्वस्व। देख लो मारवाड़ को कह दिया ये बेकार है, ये बोल रहा है खाम खा को मेरे सिर हो कि भी ये क्या बकवास है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, मारवार कश्मीर के उत्तर देश के अश्व, नीच कहें नकुलमत शाल होत्र सर्वस्व। मारवाड़ घबरा जाता है ना, पहले काम बहुत ज़्यादा लिया करते हैं तो मारवाड़ी पहले ही घबराते थे, तो इस और वो घबराहट जो है इनके अंदर है, अब हमारे सरदार भाई ही कर सकते हैं ये काम, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सरदारों की खोपड़ी ठीक होगी ना तो ये क्या पता क्या कर दें। सरदारों ने मारवाड़ी तो बना दिया ऊंचा तकड़ा खूबसूरत, अब इसमें एंडोरेंस पैदा कर दो, आज लगोगे तो 20-30 साल में जाकर हो पाएगी। आज ये 20-30 साल से लगे हुए हैं बेचारे सरदार, तभी 20-30 साल में जाके ये ऊंचे घोड़े पैदा करने लायक हुए हो रहे हैं। अब ज़रा इस पे ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा काठियावाड़ी की मिक्सिंग करते रहो, अपने आप एंड्योरेंस बन जाएगी। देश आयु वर्णन, काशी पूर्व 10 वर्ष, हरिद्वार लग 20। काशी पूर्व के घोड़े 10 साल जिएंगे, हरिद्वार वाले 20 साल जिएंगे, कहूँ कहूँ जंगल के तुरंत जिए थे 30-40, वहाँ के जंगल के 30-40 जिएंगे। ये असील हैं ठोर के खुरासान मुल्तान, और ईरानी अरब के कच्ची दीर्घ जान, कच्ची घोड़ा यानी कच्ची सिंधी घोड़ा और ईरानी अरबी ये बहुत ज़्यादा जीते हैं। तीन की तैसी आयु है दीर्घ वर्ष फरमान, चंदन सदन ते जानियो रदन बदन पहचान। रदन यानी दांतों को बोला है, दांत और बदन को पहचान लो। 26 रंग घोड़ों के दे रखे हैं। अश्वमेध राम, महाराज राम ने अश्वमेध में छोड़ा था, अश्वमेध श्रवण श्याम बिंबा अधर शशि समान सबगात, पीत पूछ नक अरुण जिही वेगवंत जिमीवात, शीश केश बहु पीत सुहायो, मनु मुनि वशिष्ठ केशो मन भायो, सुरंग रत्न मणिमाल गुहाए, तुरंग कंठ बहुविध पहराए। उस घोड़े के कंठ में मणि माल सोना चांदी डाल के, वो भी श्यामकरण घोड़ा था, मतलब सफ़ेद घोड़ा कान काले, इस रंग का घोड़ा युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध में छोड़ा था। अब यहाँ से रंग शुरू हो जाते हैं, अब इसमें ज़्यादा ही है, संजाव है, चौधर है, चीनी है, केहरी है, तेल सुरंग, श्वान सुरंग, सुरंग गुंजा, सुरंग रंग अशुभ, समंद रंग, संदली रंग, ये घोड़े के बुखार का की मूर्ति बना रखी है। ज्वर भस्म प्रहार ज्वर नंबर, त्रिपाद ज्वर नंबर, बुखार चढ़ते थे घोड़ों के, राक्षस दिखा रखा है खाने को आ रहा है, नीला मक्सी हरियल तांबड़ा अरुण गर्रा श्याम गर्रा अवलक मोमिया मटिहा महुआ कुल्ला फुलवारी कुमैत तेलिया कुमैत टोपरा मुस्की नोकरा चरण आल दुमगात सब श्वेत वर्ण जो होई नयन नासिका शीशलो कपिला नुकरा होई सिरगा द्विविध सबजा सारो सबजा 17 रंग मिश्रित
इतने नाम दे रखे हैं आज का आदमी समझ भी नहीं पाएगा। भिन्न भिन्न रंग की पहचान, केहरी, सिराजी, बादामी, बोस्ता, खंजरेट, कागजी, बिल्लौर, हाँ श्वेत रंग सब अंग में अरुण त्वचा दर्शाए, बिल्लौरी सो जानिए उत्तम महा कहाए। ये जो गुलाबी नुकरा है ना, ये बिल्लौर रंग है, बिल्लौरी रंग है, क्योंकि ना गुलाबी नुकरा देख लो ये रंग पा गया बिल्लौर रंग, बिल्लौरी रंग है ये। जिस नुकरे रंग के घोड़े की लाल खाल मिलेगी, ऊपर सफ़ेद बाल होंगे, अरुण त्वचा मतलब लाल रंग की खाल दिख रही है, वो बिल्लौर है। पिंग, कबूत, रमणी, कल्याणी, चालधार, चंबा, लखी, 22 रंग के घोड़े अब अलग आ गए। दूसरा सुकाली, हरदक, मूसली, अही मूसली, पतंग, पंच कल्याण, पिटतई, चक्रवाक, जो पीले रंग का घोड़ा होता है ना, श्वेत चरण चंतनु पीत है अशु श्वेत मुख जान, चक्रवाक सो रंग है लीजे सुमति सुजान, उत्तम महापुनीत का आवे पूर्ण भाग जासो ग्रह आवे, पीले रंग का घोड़ा हो पंच कल्याण हो। मल्लिकच, जो काला पंच कल्याण होता है, अति शुभ वृद्धि करे सब काहू, पूर्ण पुण्य जो राखे बाहू, हर चीज में बढ़ोतरी करेगा, श्याम वर्ण सब अंग है, चरण चार स्थित होय, चारों पैर सफेद हों, माथे टीका श्वेत लखी, मले कंच रंग सोय। काला पंच कल्याण जो है बहुत ज़्यादा शुभ बताया। मंगल अष्टक भी है, आल पूछ चरण उर्जा तुरंग के श्वेत, कंध बाल ऊपर गर्दन के बाल, पूछ मुंह पैर छाती जिसके सफ़ेद हों, ये 8 जगह सफ़ेद हो गया। मंगल अष्टक नाम है, नकुल मते कही दे, महाराज नकुल कह रहे हैं कि ये मंगल अष्टक है, बहुत वृद्धि बहुत सुख दिख रहा है, हर चीज़ की बढ़ोतरी और बहुत सुख दिखाएगा, दिन दिन मंगल मोद बढ़ावे, दाहिने अंग जरद चट होई, दाएं अंग में पीली अगर कोई चट हो जाए, सो मंगल जय करत सदाई। युगल बधिक चाप दस्त, प्राणी क्या क्या दे रखा है, अर्जुन सबज पाए, सवेद चरण, चौपट, यमदूत, समरदूत, श्वेत वर्ण सब देही लखे, चरण चाई जी श्याम, सारी दे सफेद हो और चारों पैर काले हो जाए, युद्ध धीर सो अशुभति, समरदूत ते ही नाम, वो अशुभ है, हमेशा आपको युद्ध के मैदान में ही ले जाकर रखेगा, ये बहुत गंदा रंग बताया। हाथ सफेदी माही जो किंचित तिल परी जाए, पदम नाम ताको कहें, अति शुभ लक्षण राय, एक हाथ बराबर सफेदी हो उसके बीच में काला तिल हो जाए, वो पदम है। घोड़े के दाएं पैर में, घोड़ी के बाएं पैर में पदम अति शुभ माना जाएगा। कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, ज़्यादा है, ये बीमारियां हैं बुखारों की, कैसे बुखार उतरेगा, फिर इसका निदान दे रखे हैं। वक्रशूल, उठे बैठे नाभि को टोवे, थोबड़ी देकरी मही में सोवे, धरती में सिर लगा के सोता हो और बैठ उठ रहा हो और थोबड़ी धरती में दे के सो रहा हो, ताको वक्रशूल अनुमाने, सोचर वक्र अर्क फूल दे माने, सोचर नमक आग के फूल में डाल के उसको खिला दे, श्या मिर्च अंजीर फल कारी जीर मंगाए, दीजे है को तुरंत ही आठों सूल नसाए, जैसे ये दोगे काली मिर्च अंजीर और काला जीरा, जैसे दोगे तो आठों प्रकार के पेट के दर्द जो हैं ठीक हो जाएंगे। 5% भर लीजिए गज पीपरी अभिराम, ताही संबधु डारिये संकट मोचन नाम, ये भी दर्द को ख़त्म कर देगी। लीजिए शेर सवाए तेल में लिए तिलन को, औषध देखवाए तुरंग नीक तत्काल ही, पेशाब रुक रहा हो तो क्या करना है, इसका मैं आपको बताता हूँ। इतनी सारी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, इस किताब के लिखने से भी पहले किताब के लेखक को भी पता नहीं, हमारे वैद्यों ने घोड़े को जिंदा रखने के लिए अश्वकंचु की रस बनाया हुआ था, वो घोड़ा चोली गोली के नाम से आती है, लोगों को आदमियों को दी जाती है, लेकिन ये सारे शूल सब कुछ मैंने देखा हुआ है। अश्वकंचु की रस से अगर घोड़े को तगड़ा घोड़ा है, 5 गोली सुबह 5 गोली शाम को गुड़ में लपेट कर दे दो, उसको कुछ भी नहीं होगा, काला नाग और डसवा लेना उसे, वो मरेगा तब भी नहीं। अगर नाग डस जाए ना, 5 गोली सुबह दे रखी हैं 5 शाम को दे रखी हैं, घोड़ा नहीं मर सकता महाराज। वो कहे क्यों,
भाई कोबरा पॉइजन मारता कैसे है? कोबरा पॉइजन इतना फास्ट होता है, इतना तेज होता है कि तूफान की तरह से नसों में चलता है, नसें बर्स्ट कर जाती हैं, फटकें नीली हो जाती हैं। और हमने जब अश्वकंजू की रस पहले से दे रखा है तो नसों का साइज अपने आप ही चौड़ा रहता है, कोबरा का पॉइजन आता है आराम से चला जाता है, पेशाब में निकल जाता है। अश्वकंजू की रस इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, अश्वकंजू की बहुत, ये सारा शूल पे चल रहा है, घोड़े को जो दर्द हो रहा है ना, इतना सारा देख लो कितना लिटरेचर सिर्फ दर्द पे चल रहा है। अग्नि वायु के लक्षण, वायु हो रही है घोड़े को, कैसे देना है, क्या करना है, पट्टी कैसे करनी है, पैर सूज रहा हो, वो सारी पट्टियाँ इसके अंदर हैं। ये सूजन उतारने की हैं दवाइयाँ बहुत सारी, वो तो जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया होगा। मैं तो वैसे ही कर देता हूँ, आदमियों की दवाइयों से आराम कर देता हूँ। पैर के अंदर दर्द हो, पैर पिछले सूज जाएँ, तो ये सब इसके अंदर दे रखा है। जो मार्ग में कांपता हुआ चल रहा है और जिसको शरीर का ही पता ना चले, वो सुन कपाली तुरंग सो अति पीड़े मग जा, के सिर में बहुत दर्द है। सेतु लीजे प्रात ही सत्तु आदि सहजर ले, गोपय सो संभाग कर वासर मुनित ही दे, गोघृत मृत पिसाई के सो तुरंग को दे, महाबली सो होता है सुन कपाली कोई। ये तो अश्वकंजू की भी दर्द देगा। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है भाई, लेकिन इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इस वाणी को समझने के लिए मैंने भारत के अनेक राज्यों की यात्रा 15-20 साल की, क्योंकि हमारी जो गुप्त कला है ध्यान की वो भी ऐसी भाषा में है, तो उसको समझने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं इसको सारी को समझता हूँ, किसी के पास ये रखी हो और उसकी समझ में ना आती हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तेज करने की विधि, मंदा चलता हो तो तेज हो जाएगा। दारू के संग दवाई लिखी हुई है, त्रिफला कुटकी चीतले मोथा वाये विडंग, औसत दीजिए 5 फल खरी मध्य के संग, असली दारू के साथ दे दो, तुरंग तेज हो जाएगा, घोड़ा तेज चलने लग जाएगा। मछली का सिर देने की विधि, फिश खिलाने हो, बकरा खिलाने की विधि, खून देने की विधि, खून चर्बी कैसे खिलाएं, उड़द की बड़ी देनी हो देख लो मछली, अंडा देने की अन्य विधि, मुर्गी का अंडा, मांस पकाने की, मांस देने की, मुर्गा देने की, सुअर का मांस देने की विधि, ये हमने नहीं किया, भेड़ का मांस देने की सारी विधि है। एक इंटरेस्टिंग है मुर्गी का अंडा, अंडा दीजिए बाजी को ताकि ये विदाई, एक दिन प्रति एक बढ़ाइए 10 वासर लो जाई, जैसे आज एक दिन दिया अगले दिन 2 दे दिए, 10 दिन तक 10वें दिन 10 अंडा दे दिए, 11वें दिन में वही 10 अंडा और दीजिए फिर 9 वासर माही, दिन प्रति एक घटाइए, मतलब 10 दिन तक तो 10 दे दिए और 11वें दिन जो है 9 कर दिया, 12वें दिन 8 कर दिए, इस तरह से वे घटाते चले जाओ। प्रति अंडा के भाग अध लीजिए खांड मिलाए, उसमें खांड मिला दो, ताते आधा घी ले सोई दे मिलाए, 2 महीने अदरक रस लीजिए, प्रति अंडा में ताको दीजिए, मोट महिला में सनवाई, कच्चे अंडा रोज खुवाई, बल जा को घटी और गयो जल्दी सो थक जाए, जिसकी ताकत घट गई हो याविद अंडा दीजिए जोर तासु सरसाई। पूरा जोर हो जाएगा, बुढ़ा घोड़ा जवान हो जाएगा अंडे से। अब आजकल के लोग क्या जानेंगे, उनके पास ये है ही नहीं। मसाला साठिया, 60 दवाइयाँ डाल रखी हैं, 60 औषधियाँ डाल रखी हैं, मसाला बतीसा 32 डाल रखी हैं, मसाला बतीसा, मसाला बतीसा, मसाला बतीसा, मसाला सोरैया यानी 16 है, मसाला वराही चिकित्सा, वाराही कामधेनु चूर्ण वात रोग पर कामधेनु का, मसाला भस्मावती दाना चारा बढ़ाने का, मसाला शुद्धाकरण भूख लगाने का, मसाला शुद्धाकरण तैयारी का, रेस में ले जाने की तैयारी का, अन्य तुच्छ आहारी कम खाता हो उसके लिए, बलगम और तैयारी का खांस रहा हो, ताजा होने का, शुद्धाकरण भूख बढ़ाने का, कमजोर घोड़े का, निर्बल घोड़े का, वृद्ध घोड़े का मसाला, बूढ़े घोड़े का, आमिष चुरे महोदधि मिलावे डीजे वृद्ध तुरंग, मीट को घी और दही में मिला के खुआवे, 14 दिन प्रति दीजिए होए युवा समंग, घोड़ा जवान हो जाएगा। मसाला कम पानी पिए ताको, कम पानी पीता हो 8 दिन का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना ही है मेरे पास। अब मैं कहता हूँ भाई मिक्सिंग है, हमें कैसे पता चलता मिक्सिंग है, मारवाड़ी में मिक्सिंग है, मेरे पास हॉर्स एनसाइक्लोपीडिया है, इसका बताता हूँ आपको। ये मैंने 1202 रुपये में ली थी कैश, और कब ली थी, 10/2/1996 में ली थी, उनके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं।
और इसमें कैश मेमो भी है मेरे पास, अंदर ही रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ है, इसी में मिल जाएगा। 1996 में ली थी, रसीद भी इसके अंदर ही है। येरी द न्यू बुक डिपो 1202 रुपए की। इसमें घोड़ों के साइड प्रोफाइल दिए हुए हर एक के, और आदमी एवरेज आदमी के साथ खड़ा करके घोड़ा कैसे नज़र आता है कितनी हाइट दिखाई देगी वो सारा इसमें दिया हुआ है। मैं ऐसे चीज़ें गुम नहीं करता, देख लो सब कुछ ओरिजिनल है। अभी एंडोरेंस है इसके अंदर, आदमी एक आदमी ऊपर चढ़ता है, एक आदमी नीचे भागता है नीचे वाला फिर ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर वाला नीचे उतर जाता है। एंडोरेंस राइडिंग में हमारे मारवाड़ी चलने चाहिए ना, काठियावाड़ी और सिंधी तो चले ही जाएंगे, लेकिन मारवाड़ी को चलवाओ ना, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हो पाएगा। और ये पंजाब के सरदार कर सकते हैं अब अपने दिखा देता हूँ आपको, अब ये देख लो शायर है, ये मिक्स है इसके अंदर, क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है नुकरे में, ऐसा मुंह आवा नुकरे का देख लो, यहाँ से उठा हुआ है, पता नहीं कौन सा मिला रखा है, ये देख लो ऐसा उठा हुआ मुंह आ रहा है। उन्होंने कहा भाई हमने तो दाने से पाड़ दिए, इतने तगड़े कर दिए, मैं क्यों मानूं भाई, मैंने तो कुछ और देख रखा है। आपको काठियावाड़ी मारवाड़ी उस टाइम के दिखा देता हूँ, ये लो जी ये काठियावाड़ी का दे रखा है, काठियावाड़ी 13 हैंड्स आई है 152 सेंटीमीटर का। अब ये पुलिस का घोड़ा है, ये गुजरात माउंटेड पुलिस है, ये अपने काठियावाड़ी घोड़ों पे, ये आर्मी का है शायद, टेंट पैकिंग कर रहा है। इसकी ओरिजिन्स जो हैं वो इस एरिया में यहाँ हैं, गुजरात और ये सौराष्ट्र का पेनिनसुला जो ये समुद्र में थोड़ा आगे गया हुआ है। और घोड़ा घोड़े के साथ में एवरेज 5'9" का आदमी खड़ा होगा, 9-10 इंच का, तो घोड़ा ऐसा दिखाई देगा आदमी के साथ, ये देख लो। तो इसका जो मुंह है वो इस तरह से चौंचला है आगे से, ये देख लो, ये देखा जाता है, हम इसे देखते हैं। और शोल्डर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लिखे हुए हैं स्लोप्स टू द पॉइंट देयर पॉइंट फ्रॉम वेल फॉर्म विदर्स द नेक टेपर्स नोटिसेबली अप टू द हेड, ये टेपर कर रही है गर्दन, ज़्यादा लंबी गर्दन नहीं होती। ईयर्स आर इनवर्ड कर्विंग, ईयर स्ट्रचिंग एट देयर टिप्स कैन बी मूव्ड थ्रू अ फुल 360, इसके कान 360 डिग्री एंगल पर घूमेंगे। और इसकी पूरी थौरो जो है वो यहाँ दे रखी है, अब ये मारवाड़ी दे रखा है। अब मैंने ये घोड़ा, इसकी फ़ोटो मैंने सचिन पटेल को भेजी, और ये जो किताब है इसका प्रिंट देखो कि इसका जो प्रिंट है 1994 में ये छपी है, ठीक है, और ये घोड़ा उस टाइम पे था 1994 में। और मेरी सचिन पटेल से बात हुई, सचिन पटेल ने पिछले साल ये कहा कि ये घोड़ा अभी जिंदा है, सचिन पटेल साहब ये कह रहे थे कि ये घोड़ा अभी जिंदा है और उनके दोस्त के पास है, ये वांकानेर पैलेस में है, ये देखो वांकानेर, कह रहा मेरे दोस्त का घोड़ा है। असल में जो काठियावाड़ी है वो कैस्पियन हॉर्स से रिलेटेड है, और कैस्पियन और अरेबियन 4000 साल पहले अलग अलग हो गए थे, ये श्री सचिन पटेल ने हमें बताया। ये काठियावाड़ी है, इसका मुंह आगे से इस तरह से चोंच लिए हुए, ये देखो ऐसे घोड़े के मुंह को ऐसे ही देखते हैं, साइड से देखते हैं, और काठियावाड़ी के गाल बड़े होते हैं। और ये मारवाड़ी है, मारवाड़ी में हम हरियाणा में बोलते हैं इसका हुड होवा है, यो हुड, ये होठ थोड़ा सा नीचे को आ रहा है। और ये काठियावाड़ी के अंदर ये देख लो डिस्ट प्रोफाइल अरबी वाला आ रहा है, लेकिन अरबी घोड़े से इसका पूर्वज जो कैस्पियन हॉर्स था वो 4000 साल पहले अलग हो चुका है। और ये जो सेला समंद रंग है ये पीला रंग काले पैर, ये समंद रंग और इससे मिलते जुलते बहुत सारे इंटरेस्टिंग कलर्स जो हैं काठियावाड़ी में होते हैं। अब इसकी 14 हैंड्स आई 150 meters इसकी हाइट है, और आदमी के साथ में खड़ा हुआ ऐसा लगेगा। ये घोड़िया मारवाड़ी है और ये काठियावाड़ी है, ये आदमी के साथ खड़ा हुआ ऐसा लगेगा। ये चीज़ें होती हैं पहचानने की। अब
लोगों को बहका दें कि वे तो प्योर मारवाड़ी है यार, क्यों लोगों का पागल बना रहे हो, हर कोई थोड़ा ना बन जाएगा, कल को कोई मेरे जैसा वीडियो भी डाल देगा फिर कहाँ जाओगे। और फिर थोरो ब्रेड तो 100 साल से मारवाड़ी में मिक्स हो रहा है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, ज़्यादातर ब्रीड्स में थोरो ब्रेड मिक्स किया गया है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। आपने अपने सुंदर दिखने के लिए घोड़ों की हाइट बढ़ा दी, ठीक है, ओके, बढ़िया, आप पैसे ले रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुश होएंगे, भाइयों के की आमदनी बन रही है, लेकिन ऐसा तो मत बनाओ जो इंडियन क्लाइमेट में किसी बेवकूफ़ के हाथ में पड़ जाए, वो पूरा खिलाए पिलाए नहीं और घोड़ा चक्कर काट के वहाँ गिर के मर जाए, तो दया तो करो भाई, ऐसा तो हो जो घोड़े कम राशन को, भुखमरी को और मौसम को झेल जाए। ये तो असली हैं देसी, जो कि झेलेंगे, झेलते हैं। और ये तो इतना हार्ड होता है काठियावाड़ी कि इसकी घोड़ी 20 साल की ब्याहती है और सवारी भी देती है, और थोरोब्रेड मर जाता है 15-16 साल का मर जाता है, और मेरी थोरोब्रेड जो है आपको जवान दिखाई देंगे, आपको वीडियो बना के भेजेंगे, ये इंडियन हाफ ब्रेड है, ये जो घोड़े हैं ये आर्मी के, ये उस टाइम के 1994 से पहले 3 में होंगे, ये थोरो ब्रेड पे या किसी और इम्पोर्टेड घोड़े की घोड़ी के ऊपर इन्होंने जो है मारवाड़ी या काठियावाड़ी यूज़ कर दिया है, तो ये हाइट ज़्यादा निकलाई है। और इंडियन हाफ ब्रेड जो है ये 15.2 हैंड्स का है और 1.57 मीटर ऊंचा है, साइड में खड़ा हुआ ऐसा लगता है, तो ये सब थोड़ा सोच के बोलना चाहिए भाई घोड़े वालों को, यू शुड एडमिट दैट यू आर मिक्स्ड इट, और लोगों को पागल मत बनाओ, पैसे लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, घोड़ों को कंफर्टेबल किया जा रहा है, उनके स्टेबल्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं, जो कि हमारे लोगों को तहजीब नहीं थी, आदत नहीं थी, बढ़िया स्टेबल्स बनाए जा रहे हैं, घोड़ों को बहुत अच्छे ढंग से रख रहे हैं, देख कर खुशी होती है, लेकिन अब मेरे हिसाब में मारवाड़ी में स्टेमिना बनाने की ज़रूरत है। घोड़े वालों को मैं ये किताब और रिकमेंड करूँगा, इसकी इसमें लिखा हुआ है कि घोड़े मेंटली आदमी से कनेक्ट होते हैं, जो भी आदमी नज़दीक आता है, कि बॉडी का कोई पार्ट टाइट कर लिया तो वो अपने पार्ट को टाइट कर लेंगे, और जो पुराने जो आदमी दिन और रात घोड़ों पर चलते थे उनकी भी हमने सुनी हुई है कि भाई वो खतरे को पहले ही महसूस कर लेते थे और मालिक को बचा देते थे। जो मेहनत काठियावाड़ी वालों ने कर रखी है ना, मारवाड़ी तो उसके बराबर आएगा भी नहीं। अब ये देखो हमारे पास ये रसीद आई हुई है, श्री काठियावाड़ी हॉर्स ब्रीडर्स एसोसिएशन गुजरात, डेट 13 सितंबर 2022, VSAF Registered Farm Porbandar Gujarat has given one of our Kathiyawadi breed called Brahaspati to Mr. Nitin Prajapati. ये मेरे चेले का नाम है, resident of Meerut, UP. He is taking this colt Brahaspati to Sri Sant Ashram, Sri Sant Nekiram Ashram, Nari Sonipat, Haryana. This is a Gujarat State Government Animal Husbandry Department recognized stud farm is standing Kathiyawadi bloodstock colt for the further breeding. Use purpose in Haryana. If anyone or any agencies have any queries, they can contact the undersigned at any time. Yours faithfully, Rajendra Singh V. Jadeja, Secretary, Kathiyawadi Horse Breeders Association, Mobile Number 11, और ये सारा description नीचे है, ठीक है। श्री भुवनेश्वर पीठ, आचार्य श्री घनश्याम जी महाराज मार्ग, गोंडल, डिस्ट्रिक्ट राजकोट, ये इनका ईमेल आ गया। और मैं अपने बृहस्पति घोड़े के की ब्लड लाइन का ये स्टैंप लगा हुआ, ऐसा तो कोई दे नहीं सकता ना। अब ये देखो ये बृहस्पति, ये बच्चा है, अब ये गुजराती में लिखा हुआ 14 सितंबर 22, भाई नाम बृहस्पति हो गया, 51,000 में ये लिया है, नितिन प्रजापति ने लिया है मेरठ यूपी वाले ने, और ये पेडिग्री है, मतलब बृहस्पति का बाप भैरव, माँ जयवंती, बृहस्पति का बाप भैरव है, माँ जयवंती है, जयवंती की माँ सुनंदा है, बाप पारिजात है, ये गवर्नमेंट का स्टैलियन है। अब भैरव का बाप रेड्डी है, जसदान पैलेस का राजा रेड्डी इसकी माँ है, राजा इसका बाप है, VSAF स्टैलियन। अब सुनंदा जो ये इसकी नानी होगी, काड़ी, ये पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, और बाप नरेश है, गवर्नमेंट स्टैलियन है। जो पारिजात इसका बाप था, इसकी माँ सरस्वती थी, ये गवर्नमेंट मेयर है, प्रताप गवर्नमेंट स्टैलियन है। अब रेड्डी जो भैरव का की माँ थी, स्कारलेट थी, गवर्नमेंट स्टैलियन लिखा हुआ है, मतलब स्कारलेट गवर्नमेंट स्टैलियन इसका बाप होगा। क्याडी जसदान पैलेस ये घोड़ी है,
राजा जो है इसका बाप जोगी, प्योर ब्लड लाइन, रश्मि गवर्नमेंट मेयर। अब इनके पास कई सौ साल का, पता नहीं 200-300 साल तक की ब्लड लाइन्स, नाम दे रखे हैं कहाँ का कौन था। इतनी बोस्टिंग मारवाड़ी नहीं कर सकता, इतनी मतलब मारवाड़ी वालों ने इतनी मेहनत नहीं की हुई, पता नहीं क्या क्या इन्होंने मिला दिया, प्योर ब्लड लाइन ख़त्म कर दी। चलो ठीक है, सरदार भाइयों ने सुंदर घोड़े बना दिए, कीमत भी उनकी ठीक हो रही है। कोई हम तो चाहते हैं भी किसानों को, घोड़ा पालकों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, मैं इस चीज़ से खुश हूँ। किंतु मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि भाई वे घोड़े हमारे क्लाइमेट में फेल हो जाएं। अब जैसे कि नुकरा श्री डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान में फेल हो गया है, वो गर्मी मान गया है, वो बेचारा क्या करे, जो उसका खानदान है उस हिसाब से गर्मी अगर ज़्यादा है तो चल ही नहीं सकता। तो हमें दो चीज़ों का काम करना पड़ेगा। पंजाब वाले भाइयों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, एक तो स्वभाव पे ध्यान दो कि भी अच्छे स्वभाव के घोड़ा घोड़ी मिले तो उनके अच्छे स्वभाव के बच्चे होंगे। जैसे कि थोरोब्रेड में कर रखा है, थोरोब्रेड हॉर्सेज ना तो किसी को काटते हैं मुँह से, ना टाँकते हैं, अगले खुरों से नहीं मारते, ना दांत मारते हैं। कोई अपनी मर्जी से बेचारा गिर जाए तो दूसरी बात है, थोरोब्रेड गिराता नहीं है। और दूसरा, थोरोब्रेड की मतलब ये मान लो कि उसके रूप को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, मतलब थोरोब्रेड इस टाइप का होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी रजिस्टर कर दी गई है। इस तरह से हमें मारवाड़ी की को भी, मारवाड़ी के भी कॉन्फ़िगरेशन, हाइट, कट, रूप, ये सारा हमें स्टैंडर्डाइज करना है। ये बेतुका नहीं करना, अब चल रहा है बेतुका, मतलब 70 इंच घोड़े की हाइट, 71 इंच घोड़े की हाइट। अब मैं कबूतर पालता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कबूतरों में क्या होता है कि कभी भी दो कबूतर मेल फीमेल एक हाइट के नहीं रखते, क्योंकि दोनों की हाइट बड़ी नहीं होगी, माँ बाप में से एक छोटा बड़ा होगा, दोनों कभी छोटे नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि वे उड़ नहीं पाते। फिर दोनों बड़े कबूतर हो गए तो उनका बच्चा नहीं उड़ पाएगा, दोनों छोटे हो गए तो उनका बच्चा नहीं उड़ पाएगा। तो घोड़ों में अभी मेहनत बाकी है और लोगों को अपना मन बनाना पड़ेगा कि काठियावाड़ी घोड़ा ये होता है और इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। गुजराती के अंदर इन्होंने कर दिया है, इन्होंने इनका जो मेल होता है 56 से 58 इंच तक का होता है, घोड़ियाँ इनकी बड़ी होती हैं, लेकिन इन्होंने प्योर ब्लड लाइन बना रखी है। ये देख लो, मुझे उन्होंने दी है 51,000 की रसीद है और प्रूफ लेटर ये दे रखा है। और वहाँ जसदान पैलेस में और वाकानेर पैलेस में, जसदान पैलेस और वाकानेर पैलेस में जाके फिर उनकी देख लो कितने साल की ब्लड लाइन जो है उन्होंने अपनी प्रिजर्व की हुई है। तो पंजाब वालों के पास जो है वो इतनी रिसोर्सेज हैं, ये तो गुजरात तो एक बहुत गरीब स्टेट है, पंजाब वालों के पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादा हाइट वाले घोड़ों में दिक्कत ये आती है कि एक तो बड़ी उम्र का आदमी नहीं चढ़ पाता उस पर, दूसरा अगर गिरेगा तो बहुत ज़ोर से गिरेगा, और यदि वे घोड़े युद्ध में आर्मी में ले जाते हैं और जवान जख्मी हो जाता है तो बड़ी हाइट के घोड़े पर चढ़ा नहीं जाएगा। वो यूँ कह रहे हैं कि भी आर्मी से घोड़े अबॉलिश कर दिए, गवर्नमेंट की ठीक है पॉलिसी, आर्मी से घोड़े निकाल दिए, भाई ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे, केयर नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं होता। हो सकता है कल को, हो सकता है कि क्योंकि बायोमेडिकल वॉर चल पड़ा है, बीमारियां चल रही हैं, ये मॉडर्न सिस्टम अगर ख़त्म हो गया तो वापस घोड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम पे ये जो लंबे ऊंचे घोड़े हैं ना, ये मेंटेन नहीं हो पाएंगे, ये हल्की खुराक में बेचारों में दम निकल जाएगा। एक इनहेरेंटली टफ घोड़ा चाहिए, जैसे कि सबसे टफ जो है ये काठियावाड़ी घोड़ा ही होता है, इससे टफ कुछ नहीं होता, इंडिया में टफेस्ट यही है। ये समझ लो जैसे अरेबियन है, जो अरबी घोड़े की तरह से हमारे घोड़े की काठियावाड़ी की का माथा नीचा हो रहा था, सोच रहे थे भी इसमें अरबी ब्लड लाइन है, वो अरबी ब्लड लाइन नहीं है, वो ब्लड टेस्ट करवाया था मेरी वहाँ और शो जज ससीम पटेल से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि काठियावाड़ी प्योर है और ये कैस्पियन हॉर्स से निकला हुआ है, और कैस्पियन और अरेबियन 4,000 साल पहले अलग अलग हो गए थे। तो मेरी बात को कोई हल्के में ना ले, और कोई भाई जिसका ज़्यादा लंबा चौड़ा घोड़ा है, आपका घोड़ा जिंदा रहो, बना रहो, आपको शौक हो बढ़िया है, शौक पूरा करो, पर अब टफनेस पे भी ध्यान दो और स्टेमिना पे ध्यान दो, मेरा बस यही कहना है। बाकी मैं और चीज़ें भी आपको दिखाऊँ, ये फ़ोटो देखो और ये देखो।
तब डॉक्टरों ने इसको जवाब दे रखा था कि थायराइड बिगड़ गया है, TSH बच्चा नहीं हो सकता। शक्ल देखो, 35 साल से ऊपर की शक्ल है, जबकि उम्र है 22 साल। ये आए थे इनके साथ, ये 55-57 साल की हैं। ये महाराज नेकीराम के चेले के पोते की देवती हैं। ये इनकी रिलेशन में गुड्डो। जब बच्चे नहीं हुए, डॉक्टरों ने दवाई, डॉक्टरों ने कहा इलाज नहीं हो सकता। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इसको जवाब दे दिया कि भाई बच्चा नहीं हो सकता। ये मेरे पास आए थे दो, कौन सा सन था, 2021 में आए थे मेरे सामने। मैंने तब जवाब दिया था, बोले जी बच्चा हो सकता है क्या? मैंने कहा भाई हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है, इसका तो हार्मोन बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई पूरी बॉडी कायाकल्प से चेंज करूँगा, और जिस दिन दवाई चालू हो डेट नोट कर लेना, 11वें महीने में प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो डेट नोट की गई थी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी गई थी, और उसमें ये बच्चा उत्पन्न हुआ। और अब माँ की शक्ल देख लो, आयुर्वेदिक इलाज से बच्चा होने के बाद शक्ल बिगड़ी नहीं है, कुछ सुधरी होगी। अब ये कितने महीने का हो गया साहब? डेढ़ साल का हो गया। आप हमारे ट्रीटमेंट को कितने नंबर देंगे? 110 आउट ऑफ 100। भाई 100 में से 110 नंबर दे रहे हैं। कोई बिल्कुल सीधी साधी देसी दवाइयां दी गई थी, TSH हार्मोन को हमने कवर कर दिया, वही कायाकल्प की विधि इस्तेमाल की हुई है जो हमने घोड़ों पे इस्तेमाल की थी। अब आप खुद देख लीजिए, आपके सामने आप लोगों को आयुर्वेद पे और अपने घोड़ों पे पूरा ध्यान देना चाहिए, ये किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ आश्रम का आपको अस्तबल दिखाता हूँ, जहाँ पे गाय भैंस घोड़े रहते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए इसके अंदर कितनी सारी विंडो हैं और हर जगह से हवा निकलने का एक स्थान है। देखो जैसे कि ये छत पर लगे हुए हैं विंड ड्रिवन वेंटिलेटर, जो कि यहाँ की जो गाय भैंस के जो टॉयलेट है या फिर जो इनका गोबर है, इससे जो एमिनो पॉइजनस गैस निकलती है वो रूम के अंदर नहीं रहती है, वो एक शाफ्ट के जरिए छत पर चली जाती है। आप देख सकते हैं रूम कितना बड़ा है, हाइट कितनी ऊंची है इसकी, और इतनी ही हाइट आपको रखनी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खिड़की देखकर, और कि यहाँ पे कितनी सारी खिड़कियाँ हैं, और हमेशा ये बहुत हवादार कमरा रहता है, और इस वजह से गाय भैंस बीमार नहीं पड़ती हैं। यहाँ पे घोड़े भी कभी बीमार नहीं पड़ते। तो आप देखेंगे अभी मैं छत पर चलता हूँ, और छत पर चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से विंड ड्रिवन वेंटिलेटर लगे हुए हैं। और ये देखो घोड़ों के खाने की खोर है, और इस तरह से यहाँ पे ये घोड़े का एक स्पेस है। चलो छत पे चलते हैं, और देखो ये विंड ड्रिवन वेंटिलेटर लगे हुए हैं, चार लगे हुए हैं, हर एक कोने में है। नीचे आप देखेंगे वो सामने रूम है, और ये ऑटोमेटिक विंड ड्रिवन वेंटिलेटर है, जो कि नीचे से जो पॉइजनस एमिनो गैस होती है जो कि गाय के मलमूत्र में और रहती है, तो वो उसको ये पूरा बाहर निकाल देता है। और आप रूम में जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की बदबू महसूस नहीं होगी।